दोस्तों आज है 9 फरवरी। आज का द हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस एंड एडिटोरियल डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियाज मोस्ट एक्सपेंसिव कार एवर। आखिर इंडिया की सबसे महंगी कार किस इंसान के पास में है? तो आप लोगों को उस इंसान का नाम भी पता होगा, वो इंसान जो इंडिया का सबसे ज्यादा अमीर इंसान है उसी के पास में ये कार आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये कार में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है क्या आप लोगों को? इस कार का जो नाम है वो काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये गाड़ी जो है सिंबल आप लोगों को दिख रहा होगा, रोल्स रॉयस की गाड़ी है और उसके द्वारा यहां पर ये कार बनाई जाती है और इसका नाम है रेड रॉयल्स रॉयस कुलिनन। कुलिनन जो है बेसिकली अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहां पर, ये अब तक का पृथ्वी पर सबसे बड़ा पाया जाने वाला ये बड़ा डायमंड है जिसके नाम पर इस गाड़ी का नाम रखा गया है। समझ रहे हो आप लोग? इस गाड़ी को एक तरीके से डायमंड के साथ में, यानी कि यूनिक जो आज तक नहीं मिला हो किसी को, तो एक ही ऐसा यूनिक डायमंड मिला जिसका नाम कुलिनन डायमंड है, यानी कि दुनिया में सबसे बड़ा कोई डायमंड आप लोगों से बोले तो वो है ये। ये जो गाड़ी है यहाँ पर ये मुकेश साहब के द्वारा ये खरीदी गई, टोटल इसकी जो कॉस्ट बताई जा रही है ये 13.14 करोड़। इसको अभी रजिस्टर कराया गया मुंबई के अंदर में तो तब ये न्यूज यहाँ पर सामने निकल कर आई, पर लेकिन एक्चुअल कीमत अगर इसकी बात करें वो यहाँ पर 13 करोड़ नहीं है। एक्चुअल कीमत इसकी इसके लगभग आधी है, लगभग 6-6.5 करोड़ के करीब है, पर लेकिन इसके अंदर जो भी यहाँ पर जो मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर जो भी उन्हीं अपनी फैसिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके द्वारा इसके अंदर मॉडिफिकेशन करवाया गया तो उसके बेस पर ये जो कार है ये 13.14 करोड़ की हो गई है और इंडिया की सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव कार की कैटेगरी में यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये वास्तव में ही आप लोग देख सकते हैं कि बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े एक शौक आप लोग बोल सकते हैं, उनमें से ये यहां पर एक काफी ज्यादा अभी जो न्यूज ट्रेंड कर रही थी। और उसी के साथ में यहां पर जो इंटरेस्टिंग न्यूज सामने निकल कर आई वो ये है कि अगर अभी हम लोग बात करें दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर लोग कौन है, अगर इसकी भी थोड़ी सी बातें मैं आप लोगों से करूं तो सबसे टॉप पर है सबसे ज्यादा एक एलियन नाम का इंसान जिसको कहते हैं इलोन मस्क, तो यहां पर ये टॉप पर है। और दूसरे नंबर पर है जेफ बेजोस, ठीक है, तो ये दो पर्सनैलिटी यूएसए के हैं। और तीसरे नंबर पर आ गए फ्रांस के, तो इनका नाम है आर्नोल्ड, तो फ्रांस के हैं यहां पर ये। बिल गेट्स और जो लैरी पेज है यहां पर ये चौथे और पांचवें नंबर पर देखने को मिलेंगे। बाकी अगर सीधे आप लोग बात करोगे यहां पर इनको रिप्लेस कर मुकेश अंबानी को, इनसे ऊपर आ गए यहां पर गौतम अदानी, तो गौतम अदानी जो है वो 10वें नंबर पर आ चुके हैं और फिलहाल जो है मुकेश अंबानी जो है वो 11वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। यानी कि अगर बात करें टॉप 15 के अंदर में आप लोगों को यहां पर दो इंडियन देखने को मिल जाएंगे, तो ये काफी बड़ी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, खासकर आज की डेट में जब हम लोग पेंडेमिक के टाइम पर दुनिया जो है वो परेशान है, तो यहां पर एक अलग ही ऊंचाई छुई जा रही है हमारी कंट्री में जो अमीर लोग हैं उनके द्वारा। और ये जो गाड़ी है जो यहां पर अभी ली गई, इसका जो नंबर है वो नंबर लेने के लिए भी 16 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास फैमिली जो है 16 लाख रुपए में एक गाड़ी ले लेती है, ठीक है, इनके द्वारा ओनली वो नंबर 16 लाख रुपए में लिया गया है। तो ये एक तरीके से अलग ही लेवल की, मतलब आप लोग बोल सकते हैं अमीरी यहां पर देखने को मिलती है। चलिए जो भी है ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, मुझे लगा आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगी और आप लोगों का भी एक नहीं मन करेगा जिंदगी में कुछ अच्छा करने का, कुछ अचीव करते हैं हम भी अपनी जिंदगी को सही डायरेक्शन में लेकर चलते हैं। तो आई होप कि आप लोग चीजों से मोटिवेट हो गए, हालांकि मोटिवेट कभी पैसे वगैरह से नहीं, मोटिवेट हमेशा काम से होना चाहिए जो इंसान जिंदगी में काम कर रहा है। तो काफी शानदार आज का ये डिस्कशन रहने वाला है, दो पार्ट में ये डिस्कशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहले में हम लोग एडिटोरियल देखेंगे और दूसरे पार्ट में हम लोग न्यूज एनालिसिस देखेंगे। पूरा जो डिटेल में डिस्कस करूंगा एक एक पॉइंट डेली, दो क्वेश्चन आप लोगों को लिखने के लिए देता हूं आंसर राइटिंग के लिए, उनको आप लोग जरूर प्रैक्टिस करिए। और इसी के साथ में वीडियो के एंड में आप लोग को वोकैबुलरी वगैरह या फिर कल के जो क्वेश्चन दिए थे उनके आंसर भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अगर आगे चलेंगे यहां पर और कई सारी इंटरेस्टिंग बातें अभी आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा। बेसिकली एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों से यहां पर शेयर करनी थी वीडियो स्टार्ट करने से पहले, वो इन्फॉर्मेशन यहां पर यह है, बेसिकली शेयर क्या करनी थी आप लोगों से पूछना था। आप लोगों को पता है आप लोगों का प्रीलिम्स आ रहा है अभी, आप लोग क्या चाहते हैं कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखते हुए क्या क्या वीडियो के अंदर आप लोग चेंजेस चाहते हैं कि हाँ वीडियो के अंदर ये चेंजेस होने चाहिए, तो उसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है, या फिर कोई भी सजेशन आप लोगों को देना होगा तो आप लोग कोई भी सजेशन दे सकते हैं, वो सारे सजेशन जो है वो मेरे तक पहुंच जाएंगे। आज मैं क्या करूंगा, सारे जो भी आज के जो कमेंट है वो आप लोगों को दिखाई नहीं देंगे, बस मुझे दिखाई देंगे, यानी कि सारे के सारे कमेंट जो है उसमें से एक भी पब्लिकली आप लोगों को नहीं दिखेगा। आप लोग रेगुलर कमेंट कर सकते हैं जैसा नॉर्मली आप लोग करते हैं, मुझ तक सारे कमेंट पहुंच जाएंगे, ठीक है, पर पब्लिकली कोई कमेंट नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो जो आप लोग सजेशन दें वो सजेशन जो है वो प्रॉपर वे में एक इंडिविजुअल पर्सन सजेशन दे और कोई उसके ऊपर ज्यादा कमेंटबाजी ना करें। जिसके मन में जो भी आते हैं आप लोगों को शर्माने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी आपके कमेंट नहीं देखेगा आज की वीडियो के नीचे, वो सारे कमेंट मेरे पास में आ जाएंगे, तो फिर मैं उसमें देखूंगा कि जो जो भी आप लोगों के द्वारा सजेशन दिए जा रहे हैं कि किस तरीके से आप लोग चाहते हैं कि हम लोग एग्जाम के प्रिपरेशन आगे लेकर चलें, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग मुझे सेंड कर सकते हैं।
एक और छोटी सी बात, अगर आज के में आप लोग किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर रखे हो तो उस टेस्ट सीरीज का नाम भी आप लोगों को बताना है, ठीक है, लिख देना। इसलिए मैं बेसिकली कमेंट को जो है अपने पास में रख रहा हूँ, आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि कई सारे बच्चे जो है फिर बोलेंगे कि मतलब कि उसमें कमेंटबाजी करने लगते हैं, उसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, इसकी कर रखी है। तो आप लोग इंडिपेंडेंट होकर लिख सकते हैं जिसकी भी टेस्ट सीरीज आप लोगों ने ज्वाइन कर रखी है, तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, उसी के बेस पर फिर मैं आप लोगों को देखूंगा कि आप लोग मतलब किस तरीके से पढ़ाई को लेकर चलना चाहते हैं, कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, या फिर कुछ तरीके से आप लोग चीजों को अपनी को लेकर चल रहे हैं, अपना प्लानिंग क्या है, या फिर डाउट जो है खुलेआम लिख सकते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में, सारे कमेंट मेरे तक पहुंच जाएंगे। तो ये मुझे लगा कम से कम आप लोगों से पूछा जाए, उसके बेस पर मैं कई सारे चेंजेस करूंगा फिर आने वाले टाइम में वीडियोस के अंदर में। तो आप लोगों के माइंड में जो भी हो वो सारी बातें आप लोगों को लिख देनी है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखने से शर्माना नहीं है, फिर से बोल रहा हूं, क्योंकि सारे कमेंट मेरे पास में आने वाले हैं, किसी को नहीं दिखेंगे मेरे अलावा वो कमेंट। तो इसलिए जो भी प्यारे प्यारे सजेशन लगेंगे वो मैं एक तरीके से अपने पास में रख के उनको इंप्लीमेंट करूंगा फिर। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे ये बात। बाकी अगर शेड्यूल जो लिखते हैं आप लोग रेगुलर वाला वो सब लिख सकते हैं, क्योंकि वो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को जो भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, यहां पर कल जो है मैंने वीडियो आप लोगों के लिए जो अपलोड की थी उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, मुझे लगा आप लोगों के साथ में इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये जो वीडियो थी, ये मैंने एक छोटी सी वीडियो बना दी थी यहां पर, क्योंकि जो वीडियो अपलोड कर रहा था कल मैं, तो वीडियो अपलोड ही नहीं कर पा रहा था। तो यहां पर आप लोग इसको देखें, कई बार ऐसे इश्यूज देखने को मिल जाते हैं यहां पर, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिली जिसमें मैंने जब वीडियो अपलोड करने की कोशिश की तो यहां पर ट्राई किया पर लेकिन इसने फाइल को लिया ही नहीं। तो फिर मैंने जो वीडियो थी वो जो वीटॉक्स नाम से चैनल है तो वहां पर अपलोड कर दी थी। तो अगर कभी भी कोई ऐसी दिक्कत देखने को मिलेगी तो वीटॉक्स जो चैनल है यहां पर जो एक स्टेपनी के तरीके से यूज किया था, कई बार अगर दिक्कत देखने को मिले तो वहां पर आप लोग वीडियो देख ले कीजिए, और इसी के साथ में यहां पर या टेलीग्राम पर आप लोग ऐड हो जाइए, यहां पर मैं तुरंत इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूं, ठीक है। और कंप्लीट जो जनवरी की पीडीएफ है वो भी आप लोग की प्रोवाइड करा दी है, और इंपॉर्टेंट डेज की जो पीडीएफ है वो भी आप लोग की मिल चुकी है। तो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अच्छे से इसको एंजॉय कीजिएगा। और जिस तरीके से रेगुलर आप लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं वो कंटिन्यूटी में रखिए अपना, अच्छे से जितना आप लोग कर सकते हैं कम से कम आधा पौना घंटा निकाल के अपना काम इतना करते रहिए। प्रीलिम्स आ रहा है पास में, उसके बारे में जैसे मैंने आप लोगों से बात की है कि आप लोग अपना जो बेसिकली चीजों को देखिएगा, पर लेकिन आंसर राइटिंग जरूर करते रहिएगा, उसको आप लोगों को नहीं भूलना है, ओके। काफी शानदार, काफी इंपॉर्टेंट एक एक आर्टिकल के बारे में यहां पर बात करूंगा, और इसी के साथ में हम लोग न्यूज एनालिसिस को भी देखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, एक एक पोर्शन आप लोगों का मैं कवर करने वाला हूं। आज कई सारे आर्टिकल यहां पर जो आए हैं वो आए एनडब्ल्यूटी, आखिर क्या है ये नेट और क्या इश्यू चल रहे हैं, सेंटर स्टेट के रिलेशन को लेकर क्या बातें की जा रही है, तो दोनों आर्टिकल इसी के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। आज का वन ऑफ द बेहतरीन आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल, ये एग्रीकल्चर में किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो स्पेंडिंग कर रही है उसके बारे में बात करेंगे, इंटरेस्टिंग है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। अफ्रीका कॉन्टिनेंट से रिलेटेड यहां पर फुटबॉल मैच के बारे में बात की जा रही है, इग्नोर कर सकते हो, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है ऐसी चीजों के ऊपर। जो गेम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज है वो मैं कवर कर ही लेता हूं, जैसे अभी T20 के बारे में आप लोगों से बात की थी, तो ये सारी चीजें, ठीक है। ये जो है यहां पर राइट और एक तरीके से जो हमारी ड्यूटीज होती है उनमें कंपेयर करने की बात की गई है, ठीक है। तो इसके बारे में समझेंगे आखिर किस तरीके से राइट जो है, ड्यूटीज जो है वो क्या होने चाहिए हमारे देश में, उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। ये यहां पर बेसिकली टैक्स इंसेंटिव की बात की जा रही है, अगर कोई फिलंथ्रोफिक वर्क करता है, यानी कि कोई बच्चों को एजुकेशन देता है, फिर कोई हेल्थ के लिए काम करता है, या फिर कुछ भी और काम करता है, उसको टैक्स में इंसेंटिव मिलना चाहिए फिर नहीं, उसके बारे में तो हल्का सा नजर इसके बारे में डालेंगे। ये जो आर्टिकल है नीचे, ये आर्टिकल ये बेसिकली हालांकि पॉलिटिक्स यहां पर दिखा रहा है, पर लेकिन एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर रखा गया, अगर मैं आप लोगों से पूछूं आप लोगों की क्या राय होगी इसके बारे में, यहां पर ये बोला गया इस आर्टिकल के अंदर में कि क्या हम लोग को संविधान जो है वो फिर से लिखना चाहिए, हमारे संविधान में कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो यहां पर आज के डेट में आप लोग कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, अगर कोई आप लोगों से बोले तो आप लोग क्या आंसर देंगे, यस या फिर नो, ठीक है। हुआ कि अभी यहां पर सेंटर स्टेट के रिलेशन को ध्यान में रखते हुए ये बोला गया, अभी यहां पर जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर थे के चंद्रशेखर राव, तो उनके द्वारा जब यहां पर बातें बोली गई कि आज के में हमको अपना संविधान चेंज करना चाहिए, क्यों, क्योंकि संविधान में जब आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को सातवें शेड्यूल के अंदर तीन लिस्ट देखने को मिलेगी, एक है सेंटर, दूसरी है स्टेट और तीसरी है कॉन्करेंट यानी कि समवर्ती सूची। तो सेंटर जो लिस्ट होती है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, स्टेट की जो लिस्ट होती है उसमें स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है, और जो यहां पर कॉन्करेंट यानी समवर्ती सूची होती है उसमें दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। पर लेकिन मैक्सिमम टाइम आप लोगों को देखने को मिलेगा इस वाली सूची में, जब आप लोग जाओगे यहां पर पावर ज्यादा किसको दे रखी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले कानून बना दिया तो स्टेट गवर्नमेंट की पावर जो है वो थोड़ी ढीली पड़ जाती है। तो बोला यही गया कि सेंटर और स्टेट के रिलेशन को संवारना चाहिए और संविधान फिर से लिखा जाना चाहिए, खासकर अगर सेंटर स्टेट के रिलेशन के बारे में बात करें। तो आप लोग ही क्या रहे इसके बारे में, आप लोग सजेशन दे सकते हैं, यस या फिर नो में बता सकते हैं, या कोई और भी बात है तो बता सकते हैं।
ये डेटा पॉइंट है। अभी यहां पर बेसिकली पार्लियामेंट्रीज कमेटी के अंदर कौन कौन सी सिटिंग हुई, कौन कौन से बिल भेजे गए, तो उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो बेसिक जो फोकस दिए गए यहां पर ये दिया गया है, अभी जो राज्य के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं उनको भी काउंट किया जा रहा है, और भी कई सारे इश्यूज हैं यहां पर पूरे कंट्री में जहां पर भी बेसिकली चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो पूरा डेटा पॉइंट जो है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा एसएलवी चैनल के ऊपर। कल वाला डेटा पॉइंट भी मैंने प्रोवाइड करा दिया था एसएलवी पीडीएफ पर, यहाँ पर नोट्स आप लोगों को मिल जाते हैं, और डेली की जो कोटेशन होती है इंपोर्टेंट उसको मैं यहाँ पर प्रॉपर पोस्ट कर देता हूँ, ताकि कभी रिवीजन करो तो आप लोग कोई दिक्कत देखने को न मिले। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा ताकि कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को न मिले। अब इंपोर्टेंट मुद्दा क्या है यहाँ पर, कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो मैं आप लोगों से यहाँ पर कवर करूंगा। ये बेसिकली आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे न्यूज एनलिस्ट वाले पोर्शन में। ठीक है, तो उनको भी कवर करेंगे ताकि आप लोग समझ पाए कि हरियाणा के अंदर ये एंटी जो कन्वर्जन बिल है उसके बारे में क्या बात की जा रही है, समझेंगे। अभी यहां पर हमारी कंट्री में कश्मीर के मुद्दे पर क्या बोला गया है अभी इसके बारे में समझेंगे। जो इलेक्शन का मुद्दा काफी एक तरीके से हाई पिच पर है, क्यों? क्योंकि कल जो है कई सारे एरिया में इलेक्शन होने वाले हैं। ठीक है, इसके बारे में बात की जा रही है। इसी के साथ में यहां पर एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा है, यहां पर कुछ बात करूंगा आप लोगों से, अगर वर्क फ्रॉम होम के बारे में बात करते हैं। इसी के साथ में कर्नाटक के अंदर जो वायलेंस देखने को मिल रहा है उसके बारे में कुछ बातें की जा रही है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में भी एक आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, और NEET ये तो मैं आप लोगों से कवर कर लूंगा बेसिकली किसके अंदर हमारा जो एडिटोरियल होगा, तो छूटेगा कुछ नहीं, कंप्लीट आर्टिकल कंप्लीट डिस्कशन करूंगा पूरे न्यूज़पेपर का। इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है नीतीश कुमार साहब के बारे में लिखकर को लेकर, एमजी नरेगा के ऊपर एक आर्टिकल है डिस्कस करेंगे, यहां पर रशिया के रिलेशन के बारे में कुछ बात की जा रही है, और यूरोपियन यूनियन भी एक अलग ही रवैया पर लेकर दिए समझेंगे, श्रीलंका और इंडिया के रिलेशन के बारे में बात की जा रही है, और यूएस जो है वो किस तरीके से बात कर रहा है अपग्रेड करने की ताइवान की जो मिसाइल सिस्टम है उसके बारे में बात करेंगे, और बाकी कुछ और इश्यू है इक्का दुक्का उनके ऊपर नजर डालेंगे। और ये होता है सुडोकू, जो आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिए, आप लोगों के माइंड को स्टेबल करने में आप लोगों को हेल्प करेगा, जिससे कि आप लोग लंबे समय तक चीजों को याद रख पाओगे। ठीक है, और इसी के साथ में वीडियो के एंड में आप लोगों यहां पर जो कल क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पर काफी अच्छे से अश्वनी के द्वारा भी काफी डिटेल में आंसर दिए गए हैं, और यहाँ पर हर्षिता के द्वारा डिटेल में आंसर दिए गए, तो इनको आप लोग मैच कर लीजिएगा, काफी अच्छे से सारी चीजें समझाई यहाँ पर, एक एक बातें इनके द्वारा एक्सप्लेन की गई है जो मैंने आप लोगों से पूछी थी। तो अच्छा लगता है जब इस तरीके से आप लोग पार्टिसिपेट करते हो, तो अच्छे से आंसर दिया करो, काफी अच्छा लगता है इस तरीके से जब आप लोग आंसर देते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि प्रॉपर वे में आंसर देते हो तो आप लोगों को भी काफी फायदा इससे देखने को मिलेगा। ओके, तो ये थी कुछ बातें, आइए अब आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी मेंस क्वेश्चन या फिर एसए यानी कि निबंध अगर आप लोग लिखना चाहते हैं या फिर स्टेट पीसीएस की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो कोटेशन काफी इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है वहां पर। तो आज की जो यहां पर ये कोटेशन है आप लोग इसको इंक्लूड कर सकते हैं। बात की जा रही है इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में, यानी कि समावेशी विकास। बात की गई है यू कैनोट हैव पीस विदाउट सिक्योरिटी एंड यू कैनोट हैव सिक्योरिटी विदाउट इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी कि आप जो है वो एक तरीके से सबको साथ में लेकर चलेंगे तभी आप लोग शांति में रह पाएंगे। तो बोला गया कि आप सुरक्षा के बिना शांति नहीं पा सकते, और आपके पास में समावेशी विकास के बिना सुरक्षा नहीं हो सकती। तो ये कोफी अन्नान साहब के द्वारा यहां पर ये स्टेटमेंट दी गई थी, तो इसको आप लोग आंसर राइटिंग वगैरह में यूज कर सकते हैं। सारी स्टेटमेंट आप लोगों को ऑलरेडी पता है, टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देता हूं नंबरिंग के साथ में, ताकि कभी भी सर्च करो तो आप लोगों को मिल जाए। तो स्टडी जो यहां पर बेसिकली एसएलवी पीडीएफ वाला टेलीग्राम है वहां पर देखने को मिल जाएगी। ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आप लोगों को अटेम्प्ट करना है शाम को, जो 8:30 बजे वीडियो आती है रेगुलर, उसमें ये मैं आप लोगों को टॉपिक कवर कराता हूं, और क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के सामने, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। बात की जा रही है चकमा और जिसगोंग, जो यहां पर ये कम्युनिटी है रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में थी, अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में ये आप लोग को देखने को मिलती है। पर बोला ये जा रहा है कि जो चित्तगोंग हिल एरिया है, खासकर ईस्ट पाकिस्तान जिसको आप लोग बोलते हैं, आज की डेट में वो बांग्लादेश हो चुके हैं, वहां से निकलकर यहां पर ये अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचे, और इसी के साथ में चकमा और जो हिजगोंग है ये बुद्धिस्ट है, यानी कि बुद्धिस्ट कम्युनिटी है यहां पर, अगर इनके बारे में बात करूं तो। कौन सी स्टेटमेंट सही है? ए में बोला गया ओनली वन, बी में बोला गया ओनली टू, सी में बोला गया ओनली, सी में बोला गया बोथ, और डी में बोला गया नन ऑफ द बो। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी, सही आंसर आप लोग को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, बात की जा रही है यहां पर किसके बारे में? फिशरीज के बारे में, जो मछली पालन किया जाता है तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर सही है उसके इनिशिएटिव के बारे में? ब्लू रिवॉल्यूशन यहां पर रोल प्ले करता है, मैरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यहां पर काम करती है, ठीक है, इससे रिलेटेड जो इनिशिएटिव है, और किसान क्रेडिट कार्ड भी यहां पर रोल प्ले करता है। तो कंफ्यूजन में डालने के लिए ऐसी स्टेटमेंट आप लोग को जरूर दी जाएगी। तो क्या किसान क्रेडिट कार्ड भी यहां पर रोल प्ले करता है अगर बोला जाए तो मछली पालन में? तो ये स्टेटमेंट आप लोग को देखनी है। ए में बोला गया 1 एंड 2, बी बोला गया 2 एंड 3, सी बोला गया 1 एंड 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर बताना है ए बी सी एफ डी। तो देखता हूं कौन कौन इसका सही आंसर देता है।
काफी, अगर आप लोग देखिए कई सारे बच्चे अच्छे से आंसर देते हैं तो एक दूसरे का आंसर भी आप लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। इससे काफी अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरीके से आंसर देते हैं और कई सारी चीजें इवन आप लोगों को भी नई जानने को मिलती है जब आप लोग इस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं तो। और कमेंट बॉक्स में एक दूसरे से चीजें सीखा भी करो आप लोग, ओके। आज के कमेंट तो नहीं दिखेंगे पर, लेकिन हाँ रियलिटी में डेली बहुत सारे बच्चे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, उनको आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। आज के कमेंट बस मुझे दिखेंगे तो दिल खोलकर कमेंट करना, पर्सनल चीजें भी आप लोग लिख सकते हो, पब्लिकली किसी को नहीं दिखेंगे, ठीक है। क्योंकि कमेंट करते ही कमेंट गायब हो जाएगा, बस मेरे पास में पहुंचेगा सीधा, तो आज जादू दिखेगा कमेंट बॉक्स में आप लोगों को, ठीक है। तो इस जादू का फायदा उठाइएगा अच्छे से। ये आर्टिकल मैं काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा क्योंकि इस आर्टिकल से रिलेटेड आज न्यूज एनालिसिस में भी कई सारे पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे और इसी के साथ में दो एडिटोरियल भी हैं और इसी के साथ में सेंट्रल स्टेट के रिलेशन भी आप लोगों को समझ में आएंगे। तो बहुत ही उम्दा आर्टिकल आप लोग इसको यहां पर बोल सकते हैं। जीएस पेपर 2 के अंदर आप लोग इसको बोल सकते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज या फिर जो भी यहां पर डेवलपमेंट से रिलेटेड इश्यूज होते हैं या फिर सेंट्रल स्टेट के रिलेशन के बारे में भी आप लोग बात कर सकते हैं। एक आर्टिकल जो यहां पर बेसिकली जो लिखा गया है वो खुद यहां पर जो चीफ मिनिस्टर है तमिलनाडु के उनके द्वारा लिखा गया कि क्या पावर होनी चाहिए बेसिकली चीफ मिनिस्टर की, एक तरीके से चीफ मिनिस्टर की मतलब असेंबली की स्टेट के अंदर में, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहां पर लिखा गया है। यानी कि ऐसा नहीं कि कोई भी आए कुछ ही बोले और चल दे। तो मुद्दा क्या है यहां पर, अभी बात करेंगे, मेन फोकस रहने वाला है तमिलनाडु के ऊपर। आप लोगों ने नॉर्मल देखा होगा जब आप लोग एग्जाम बेसिकली देते हैं कि एडमिशन लेने की बात करते हैं तो दो ऑप्शन आप लोगों के सामने आते हैं। एक तो होता है बेसिकली यूनिवर्सिटी जो कि सेंट्रल लेवल पर होती है, जैसे जैसे आप लोगों ने जब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आप लोग इसे 12वीं के बाद में जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा बेसिकली AIEEE के थ्रू आप लोग पेपर देते हैं, ठीक है, और IIT का पेपर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें नॉर्मली आप लोग सेंट्रल लेवल की जो बेसिकली जो कॉलेजेस हैं उनके लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, पर लेकिन इसी के साथ में स्टेट लेवल के भी आप लोगों ने देखा होगा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं सेम पैटर्न पर, तो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट अपने एग्जाम कंडक्ट कराती है। पर सोचो अगर यहां पर बोल दिया जाए कि स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगी, ओनली सबके लिए यहां पर वो एग्जाम कंडक्ट कराने वाली होगी सेंट्रल अथॉरिटी, तो कैसा आप लोगों को लगेगा। तो ऐसा ही एक मुद्दा यहां पर लाया गया हमारे सामने जिसको आप लोग बोलते हैं नेट। तो यहां पर इसको वो क्या बोलते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, तो NEET। तो NEET जो है यहां पर जब इंप्लीमेंट किया गया कई सारे राज्य ने इसके खिलाफ आक्रोश दिखाया। बेसिक मुद्दा यहां पर क्या था, ये बेसिक मुद्दा यहां पर ये था कि जो NEET है यहां पर ये ऑल इंडिया प्री मेडिकल जो टेस्ट होता है उसको रिप्लेस कर देगा यहां पर, और इसी के साथ में यहां पर ऑल इंडिया प्री मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट को रिप्लेस किया जाता है। तो इसके चलते MBBS हो गया, BDS हो गया, आयुष हो गया, जिसमें कई सारी और चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, इन सब के लिए बस एक एग्जाम होगा और वो होगा नेट का, और उसके थ्रू यहां पर आप लोगों को सीट जो है वो एलोकेट की जाएगी। ये जो एग्जाम होगा ये कंडक्ट कराया जाएगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, तो ये भी एक काफी इंपोर्टेंट बॉडी है। ये यहां पर काम करेगी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में, जो कि प्रॉपर चीजों को इंप्लीमेंट करके चलेगी। यानी कि जो NEET UG है वो यहां पर रिप्लेस, जो बेसिकली रिप्लेस कर देगा ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट को, और इसके चलते यहां पर सारे जो वेरियस जो स्टेट के एग्जाम होते थे उनके लिए भी यहां पर सीट जो भरी जाएगी वो इसके थ्रू यहां पर भरी जाएगी। तो इसके चलते कई सारे राज्य ने ये बोला कि यार ये तो हमारा अधिकार का आप लोग हनन कर रहे हो, हमारे पास में पावर ही नहीं रहेगी, और इसके चलते कई सारे इश्यूज देखने को मिले, उसके बारे में बात करूंगा। हुआ क्या यहां पर, बेसिकली इसके खिलाफ जो है लोग पहुंचे कि ये सही चीज नहीं, यहां पर जैसे इसको पास किया गया, और नीट जो UGC है यहां पर अगर उसके बारे में बात करिए, ठीक है, तो ये बेसिकली ऐसा हुआ यहां पर कि आज की डेट में अगर बात करें तो जो एडमिशन होता है लगभग 60,000 के करीब सीट आप लोगों को MBBS और BDS की देखने को मिलेगी अक्रॉस द इंडिया, ठीक है। तो यहां पर जैसे यहां पर ये चीजें स्टार्ट होती हैं, अब सारी सीटें जो स्टेट लेवल की हैं और सेंट्रल लेवल की हैं वो एक साथ यहां पर भरी जाएगी। तो एक तरीके से आप लोग बोलोगे अकेला एक लोता पेपर बच गया जिसके थ्रू पेपर हो गया यहां पर ऑल इंडिया, बात करें यहां पर इंक्लूडिंग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स के लिए, या फिर यहां पर जवाहरलाल नेहरू ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च के लिए, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगी चीजें, ठीक है। तो एक एग्जाम हो गया जो कि सारी चीजें यहां पर डिसाइड करेगा। अब मुद्दा यहां पर यह बन गया, अगर ये एग्जाम सारी चीजें डिसाइड करेगा तो और प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिलेगी। वो कैसे, एक बच्चा ऐसा है जो कि स्टेट बोर्ड से पढ़कर निकल कर आ रहा है, बिहार बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, गुजरात बोर्ड हो गया या फिर तमिलनाडु बोर्ड हो गया, तो वो बच्चा जो है वो लोकल लैंग्वेज को पढ़कर आ रहा है और वो बच्चा जो है वो लोकल लेवल पर स्टडी करके आ रहा है। जैसे यहां पर आप लोगों ने ये पर्टिकुलर मुद्दा खत्म किया कि स्टेट लेवल पर एग्जाम ही कंडक्ट नहीं कराएंगे, तो तुरंत उसका कंपटीशन जो है वो ऑल इंडिया लेवल पर पहुंच गया। यानी कि जो स्टेट के एग्जाम क्लियर करता हुआ आ रहा है, स्टेट की सारी चीज देखता हुआ आ रहा है, अब वो डायरेक्ट ऑल इंडिया कंपटीशन में जाकर बैठ गया। अब वो बच्चा कितना कॉम्पीट वहां पर कर पाएगा तो ये देखने वाली बात है। एक तरीके से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लोकल लैंग्वेज में पढ़ते हैं, जैसे नेशनल लेवल पर आप लोग पहुंचते हैं तो वहां पर इंग्लिश में ज्यादा प्रेफरेंस देना स्टार्ट कर दिया जाता है, तो यहां पर ये दिक्कतें देखने को मिलेगी। बहुत सारे ऐसे भी थे यहां पर जिसके बारे में बात करें तो प्रॉपर वे में यहां पर एक तरीके से वो नहीं कहते गांव वाले एरिया से, खासकर दूर दराज वाले एरिया से, जो कि अपनी जो एजुकेशन कंप्लीट किए तो उनको काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिली, और इसी के चलते कई सारे कुछ बच्चों के द्वारा सुसाइड भी कर लिया गया।
तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया कि हम लोग जो है अपने स्टेट में खुद का अपना मेडिकल एग्जाम कंडक्ट कराएंगे और ये हमारे पास में पावर भी है। तो यहां पर ये पावर को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा बोला गया कि हमको यहां पर बेसिकली ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा दो मुद्दे बन गए। एक तो जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है कि हाँ आप लोग क्या कर सकते हो अपना बेसिकली यहां पर जो NEET जो है वो बेसिकली वो सेंट्रल लेवल पर सही है, उसको एक तरीके से लेकर चला जा सकता है, ठीक है। पर लेकिन साथ ही साथ यहां पर ये भी बोल दिया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है अगर वो भी चाहे अपना एग्जाम कंडक्ट कराना तो उसको भी अधिकार है, उसको कोई रोक नहीं सकता उसके दायरे के अंदर में। तो जब ये यहां पर बिल पास किया गया सितंबर के महीने में तमिलनाडु की गवर्नमेंट के द्वारा, तो गवर्नर साहब से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है अगर कोई बिल गवर्नर के पास में पहुंचे, तो पावर ऑफ द गवर्नर वाला इशू यहां पर बन जाता है। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, कई सारी नई बातें आप लोगों को यहां पर जानने को मिलने वाली है। नॉर्मली गवर्नर जो है वो एक तरीके से कनेक्टिंग लिंक माना जाता है, और अगर गवर्नर के पास में कोई अगर बिल आप लोग भेजते हैं तो क्या क्या ऑप्शन है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों से प्रीलिम्स में पूछे जा चुके हैं पहले भी और आगे भी क्वेश्चन बन सकता है। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, स्टैटिक पोर्शन है अलग से, आर्टिकल में नॉर्मली चीज देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। बात करें गवर्नर के बारे में, तो गवर्नर यहाँ पर नॉर्मली ये तो बिल को असेंट दे सकता है कि हाँ ठीक है भाई साहब बहुत बढ़िया काम कर रखा है, ये लो और जाके बल्ले बल्ले मजे करो, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या कर सकता है, विदहोल्ड कर सकता है, यानी कि उसको अपने पास में रख सकता है कि भाई साहब ऐसा है कि ये जो है पड़ा रहेगा बस्ते में और उसके बारे में कोई बात ही नहीं करेगा। तो ऐसे भी कई सारे इश्यूज आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तीसरा जो काफी इंपोर्टेंट है यहां पर, वो रिटर्न कर सकता है बिल, ठीक है। अगर वो मनी बिल नहीं है तो मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकता है। मनी बिल कौन से आर्टिकल में आता है जरा बताइए आप लोग, ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो वो यहां पर रिटर्न कर सकता है, ये बातें यहां पर बोली जा रही है। तो अगर उसने बेसिकली रिटर्न कर दिया, और यहां पर यही केस हुआ अभी जो नेट वाला मुद्दा हुआ, जैसे यहां पर असेंबली के अंदर इसको पास किया गया तो यहां पर ये गवर्नर के पास में सेंस के लिए पहुंचा, तो उन्होंने क्या किया उसको रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो ये वाला मुद्दा उनके द्वारा यूज किया। अब इस पर फिर से आऊंगा, आप लोग समझिएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर ये होता था जो कि ये पर्टिकुलर आप लोगों ने देखा नेट जो है वो सेंट्रल लेवल के एग्जाम के लिए लेकर आया जा रहा है। अभी यहां पर स्टेट जो है वो अपना काम कर रहा है अपने लेवल पर, एक बेसिकली नीट को कह रहा है कि हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे। तो ये जो पूरा मुद्दा बनता था वो फोर्थ कैटेगरी में बनता था। फोर्थ कैटेगरी मतलब कि सेंटर का कानून था, सेंटर के कानून के खिलाफ में स्टेट ने अपना कानून बना दिया, और जब स्टेट ने अपना कानून बना दिया अब ये मुद्दा पहुंचना चाहिए था बेसिकली प्रेसिडेंट के पास में, और गवर्नर को ये जो बिल है वो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रखना चाहिए था। पर लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों ऐसा नहीं हुआ, ये सबसे बड़ा इशू बन गया कि आखिर गवर्नर ने ऐसा क्यों किया, उसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। प्रेसिडेंट की एसेंस के लिए यहां पर जाता तो फिर प्रेसिडेंट जो है वो इसको देखते हैं, इनके सेंट्रल गवर्नमेंट के खेमे में ये बिल पहुंच जाता। तो यहां पर ये चार मुद्दे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जो चौथा मुद्दा है ये काफी इंपोर्टेंट यहां पर हो जाता है। अगर गवर्नर क्या कर सकता है, अगर उसको लगता है कि सही तरीके से संविधान के हिसाब से यहां पर बिल नहीं बनाया जा रहा है, तो वो क्या कर सकता है, वो यहां पर इसको बेसिकली आगे प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए यहां पर रिजर्व कर सकता है बिल को, ठीक है। इसी के साथ में अगर लगता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के खिलाफ जाकर यहां पर स्टेट ने बिल बनाया, वो भी उसको यहां पर बेसिकली प्रेसिडेंट के लिए रख सकता है। अगर अगेंस्ट यहां पर ये लार्ज इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री तो भी रख सकता है, या फिर डील करता है यहां पर एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी के बारे में तो भी यहां पर इसको ले सकता है, और उसको लगता है कि कोई भी यहां पर सेंटर के कानून के खिलाफ में जाकर काम हो रहा है तो इसको यहां पर बेसिकली प्रेसिडेंट के लिए रख सकता है। लेकिन गवर्नर ने ये काम नहीं किया, गवर्नर ने यहां पर इसको यूज कर लिया। तो इसी पर यहां पर जो चीफ मिनिस्टर साहब है वो आर्टिकल लिख रहे हैं, उनके द्वारा यहां पर यही बात बोली गई है कि जो यहां पर इनके द्वारा ये जो बिल यहां पर रखा गया है ये कहीं ना कहीं स्टेट असेंबली की इंसल्ट कर रहा है। यहां पर ये स्टेट असेंबली की इंसल्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि यहां पर नॉर्मली एक जो व्यवस्था होती है उसके तहत अगर मान लीजिए जैसे अभी यहां पर इन्होंने क्या किया, ये बिल पास कर गवर्नर के पास भेजा। अब गवर्नर को भी पता है इस बात का कि ये जो बिल अगर तुमने रिटर्न कर दिया तो असेंबली के पास में अब पावर आ चुकी है कि वो फिर से इसको पास करके लेकर आएगी और तुमसे पास कराएगी, अब तुम इसको रोक भी नहीं पाओगे। तो यहां पर जो चीफ मिनिस्टर साहब है वो ये है कि कहीं ना कहीं जो एक रिलेशन होता है यहां पर गवर्नर और जो असेंबली का, और जो असेंबली की एक गरिमा होती है, जी यहां पर एक तरीके से गवर्नर अगर भेज देता है किसी बिल को उल्टा तो कहीं ना कहीं ये है कि एक तरीके से ये असेंबली की जो कैपेबिलिटी है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि उन्होंने ढंग से काम नहीं कर रखा है और वो न्यूज में आ जाती है। तो ये बोला गया यहां पर इनके द्वारा कि कहीं ना कहीं हमारी जो असेंबली है उसकी सोवरेनिटी के ऊपर ये क्वेश्चन लगा दिए हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि गवर्नर को भी पता था कि फिर से भेजेगा, अगर फिर से हम लोग लेकर आएंगे तो उसको पास करना ही करना पड़ेगा। बट ये एक तरीके से हमको पब्लिक में लाने की बेसिकली बात होगी, ठीक है। तो ये गलत चीज है, इस तरीके से यहां पर नहीं करना चाहिए। या तो फोर्थ नंबर यूज करते कि प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए इसको रख लेते तो वो मेन मुद्दा होना चाहिए था, या फिर अपने पास में रिजर्व पड़ा रहने देता वो इंसान, ठीक है। अब यहां पर इसको जैसे रिटर्न कर दिया तो उसके चलते यहां पर एक अलग माहौल बन गया पूरे देश के अंदर में, उसको अलग से डिस्कस किया जा रहा है, उसके अलग से डिबेट चल रहा है यहां पर।
तो गवर्नर जो है यहां पर एक तरीके से ये फोर्थ जो ऑप्शन था यहां पर वो यूज करना चाहिए था, क्योंकि ये जो कानून है ये सेंटर के कानून के खिलाफ आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये मुद्दा यहां पर बोला गया है। इसी के साथ में जब पांच जज की बेंच थी यहां पर मॉडर्न डेंटल कॉलेज वर्सेज मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का जब केस आया था, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्लियर वर्डिक्ट दिया गया था कि स्टेट गवर्नमेंट के पास में पावर है कि वो अपने लेवल पर एडमिशन के लिए यहां पर बेसिकली अपने हिसाब से कानून बना सकती है। आप लोग ऐसा नहीं कि आप लोग के हिसाब से यहां पर काम चलने वाला है। तो इसके चलते जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन में जो एडमिशन की यहां पर बात की जा रही है स्टेट लेवल पर, अगर कोई भी यहां पर इस तरीके से कानून बनाता है और लेकर चलता है तो गवर्नर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड कराए। अब यहां पर आर्टिकल में आगे चलते हैं। ठीक है, आर्टिकल में क्या बोला गया, अभी गवर्नर जो है वो अगर इसके पास में जाता है तो उसको डिले नहीं करना चाहिए, उसको बेसिकली यहां पर एक तरीके से नहीं एडमिशन में यहां पर जो चीज चल रही है उसको अप्रूव किया जाएगा। तो तमिलनाडु असेंबली के द्वारा वंस अगेन जो यहां पर जो ये बिल जो है पास किया जा रहा है, जिसके चलते जो नीट में यहां पर बच्चे ना बैठे अपने लेवल पर काम करें, गवर्नर साहब के द्वारा यहां पर जो एक तरीके से रिटर्न किया गया था यहां पर, तो कहीं ना कहीं अब यहां पर देखने को मिलेगा ये चीजें अपने पैटर्न में चल पाएगी। पर मुद्दा यहां पर ये पहले से यहां पर ये बोला गया है अगर कोई भी काम असेंबली कर रही है, ठीक है, तो गवर्नर को उसमें सपोर्टिंग रोल प्रोवाइड कराना चाहिए अगर यहां पर असेंबली कोई काम कर रही है। ठीक है, तो इसी के चलते बोला जा रहा है समर्थनीय होना चाहिए। तो एके जो रंजन कमेटी थी उनके द्वारा रिपोर्ट सबमिट की गई थी इन द फेवर ऑफ पैसेज सच लो, अगर ऐसा लो पास किया जाना है और कमेटी भी यहां पर यह बता रही है तो उसको सपोर्ट यहां पर मिलना चाहिए। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनली यहां पर उनको ग्रांट कर देना चाहिए था असेंट, ये यहां पर देखा जा रहा था क्योंकि वो एक तरीके से फेवर में था यहां पर स्टेट गवर्नमेंट के जो बच्चे हैं उनके लिए। ओरिजिनली अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में ये बातें बोली गई कि गवर्नर जो है आर्टिकल 200 के तहत, ऐसे आर्टिकल जब न्यूज में होते हैं तो आप लोग उनको बेसिकली लिख लेना चाहिए किसी A4 साइज शीट पर, क्योंकि कई बार स्टेटमेंट में दे देते हैं। ठीक है, तो गवर्नर का कोई यहां पर ऐसा नहीं कि कोई इसके डिस्क्रिप्शन ही नहीं है। अगर बात करें यहां पर कोई अगर देखे क्या होता है, हाईकोर्ट के अंदर मैटर चल रहा है और हाईकोर्ट ने भी चीजों को अप्रूव कर दिया, तो इसके चलते यहां पर ये एक तरीके से बाउंड हो गया कि रिजर्व करने के लिए प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए उसको रख सकते थे तो चाहे तो, पर लेकिन रियलिटी में उनके द्वारा जो अपनी डिस्क्रिप्शन यूज की गई उसको वापस भेज दिया, वो चीजें यहां पर सही नहीं है। गवर्नर जो है यहां पर उनके द्वारा रेयर डिस्क्रिप्शन जो यूज की गई उसके ऊपर क्वेश्चन लगता है कि किस तरीके से उनके द्वारा इसको यूज किया गया, क्योंकि ये बिल्कुल एक अलग पैटर्न में पहुंचे, किसी ने सोचा ही नहीं था कि गवर्नर जो है वो इसको रिटर्न करेगा। नॉर्मली सब ये सोच रहे थे कि गवर्नर जो है प्रेसिडेंट के लिए इसको रखेगा क्योंकि मैटर भी यहां पर वही बनता है। तो ये बातें यहां पर निकल कर आ रही है। तो गवर्नर का जो कम्युनिकेशन है टू द लेजिस्लेटिव असेंबली वो एक तरीके से यहां पर जो इन तरीके से जो रवि जो है उनके द्वारा भी यहां पर रवि हिसाब है यहां पर ये तो डिसएग्री हो रहे हैं बिल के साथ में, तो यहां पर नॉर्मली ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी यहां पर अगर बोले दोनों बात बोल चुके हैं कि यहां पर नीट भी सही है आप लोग इसको सपोर्ट कर सकते हैं और दूसरा अपना स्टेट जो है वो भी यहां पर लोग बना सकता है, तो कोर्ट ये भी बोल सकता है। तो इसके चलते यहां पर अगर आप लोग बात करेंगे एक कमीशन की जिसको बोलते हैं सरकारी कमीशन, तो सेंट्रल स्टेट के रिलेशन के बारे में जब बात करता है काफी इंपोर्टेंट कमीशन है, कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से प्रीलिम्स में पूछे गए हैं सरकारी कमीशन के नाम पर, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सरकारी कमीशन के द्वारा भी यहां पर बोला गया था कि सेंट्रल काउंसिलिंग जो है वो यहां पर अगर काम कर रही है, ठीक है, तो यहां पर एक तरीके से जो गवर्नर है उसको एड एंड एडवाइस दी जा रही है, तो गवर्नर को उसके हिसाब से काम करना चाहिए, गवर्नर को अपनी इस तरीके से यहां पर एक्टिविटी नहीं दिखानी चाहिए जिससे रिलेशन जो है वो और ज्यादा बेकार हो जाए। तो ये बातें बोली गई। तो बोला सीधा सीधा ये गया है कि नो डाउट यहां पर कि एक तरीके से मैंडेटरी नेचर जो है वो NEET का वो गलत है क्योंकि स्टेट की पावर को अंडरमाइन करता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने कानून नहीं बना पा रही है, अगर मैं वो अपना बेसिकली अपना काम नहीं चला पाएंगे अगर यहां पर मैंडेटरी कर देंगे नीट कि बच्चों को नीट देना ही देना है। अगर वो बोलते कि ऑप्शनल है कि या तो नीट के थ्रू दे लो या फिर स्टेट के थ्रू दे लो तो समझ में आता है, पर लेकिन हम एक संघवाद के ढांचे में रहते हैं जिसको फेडरल सिस्टम हम लोग बोलते हैं, तो इसमें यहां पर जरूरी है कि सेंटर और स्टेट जो है वो मिलकर काम करें, पर लेकिन यहां पर एक अलग ही पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि यहां पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो ये बातें हैं। ठीक है, बाकी गवर्नर के बारे में कुछ मैंने बेसिक स्टेटमेंट यहां पर इंफॉर्मेशन डाल दी है, ये चैप्टर भी आप लोग जाकर पॉलिटिकल आज आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। देखिए जितना ज्यादा रिवीजन हो उतना ही ज्यादा कम है, जाकर फटाफट उनको रिवाइज कीजिए, अगर रिकॉल करोगे ना चीजों को तो एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ज्यादा फायदा आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो चीजों को जितने ज्यादा रिकॉल कर सकते हो उतने ज्यादा रिकॉल करो और लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद भी यहां पर रख पाओगे। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। बाकी एक और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आप लोग यहां पर याद रखते हैं, बोला गया था कि सातवां जब संविधान में संशोधन किया गया 1956 में, क्वेश्चन बन चुका है कई बार ये स्टेटमेंट के तौर पर भी और डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गवर्नर हो सकते हैं यहां पर दो या फिर एक गवर्नर जो है दो या फिर दो से ज्यादा राज्यों का गवर्नर बन सकता है, ये बातें यहां पर बोली गई है। ठीक है, तो इसके लिए बोला गया और सुप्रीम कोर्ट ने 1979 में ये भी बोला था कि गवर्नर जो है वो इंप्लॉय में वो एक तरीके से इंप्लॉय नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो इंडिपेंडेंट ऑफिस है तो उसको अपने हिसाब से काम करने दो, तो ये बातें भी यहां पर बोली गई। तो बहुत सारी चीजें इसीलिए यहां पर ऐसा नहीं कि उसका इलेक्शन नहीं होता तो गवर्नर को अपने हिसाब से चलाओ वो कठपुतली है। और अगर आप लोग यहां पर बात करेंगे गवर्नर के बारे में तो आप लोगों को देखने को मिलेगा क्वालिफिकेशन में सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और ये सर्टिफाई, और बाकी दो चीजें ऐसी हैं
कि यहां पर आउटसाइड होना चाहिए जिस स्टेट का है, क्योंकि पॉलिटिक्स के साथ में उसका कोई भी यहां पर रिलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और प्रेसिडेंट जिसको लगे कि यहां पर एक तरीके से चीफ मिनिस्टर के साथ में कंसल्ट कर अपॉइंट किया जाना चाहिए, पर नॉर्मली ये चीजें होती नहीं है। तो नॉर्मली अमेरिका में आप लोग जाओगे गवर्नर को क्या किया जाता है, डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, पर हमारे देश में कनाडा का मॉडल फॉलो किया जाता है। तो ये बेसिक कुछ बातें जो मैंने आप लोगों को यहां पर पूरा स्लाइड के अंदर प्रोवाइड करा दी है, ओके। तो इसके बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहां पर। बेसिकली हमारे देश में अभी बजट प्रस्तुत किया गया, तो एग्रीकल्चर के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। और अगर आप लोग एक किसान परिवार से निकलकर आते हैं तो आप लोगों से इंटरव्यू में भी यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। डायरेक्ट आप लोगों से कई सारी बातें पूछी जा सकती है। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि आर्टिकल क्या है। आर्टिकल में यहां पर ये बोला गया कि हमारे देश में अभी बजट प्रस्तुत किया गया, यूनियन बजट, ठीक है, जिसको हम लोग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो शब्द है ये संविधान में किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है, बेसिकली अगर बात करें जो कि बजट बोलते हैं, ये आप लोग बताइए। रिविजन करते रहना है, कल इनके आंसर आप लोगों को मिल जाते हैं नेक्स्ट डे, तो टेंशन मत लेना, अच्छे से एंजॉय करते रहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं यहां पर, तो बोला यह गया कि अभी रिसेंटली जो बजट की एलोकेशन है यहां पर हमारे देश के अंदर में, वो यहां पर 4.4% बढ़ा दी गई है एग्रीकल्चर के लिए। पर लेकिन रियलिटी में अगर देखेंगे तो ये चीज आप लोगों को बढ़ी हुई नजर नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारे देश में जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो 5.5 से लेकर 6% तक चल रही है। मतलब क्या? मतलब यहां पर ये कि आज की डेट में अगर मान लीजिए आप लोग कहीं पर जॉब कर रहे हैं और आप लोगों को जो सैलरी है वो सैलरी आप लोगों को मिल रही है 5,000 रुपए, ठीक है, 5,000 रुपए आप लोगों को सैलरी मिल रही है कहां पर, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, और वहां पर आप लोगों की जो सैलरी है वहां पर बढ़ा दी मान लीजिए 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपए सैलरी बढ़ा दी, पर लेकिन रियलिटी में जो 5,000 रुपए आप लोग यूज कर रहे थे वो जो सामान खरीदने के लिए, मान लीजिए दूध आप लोगों को खरीदना है, ठीक है, आप लोगों को सब्जी खरीदनी है, तो वो जो आप लोग यूज कर रहे थे 5,000 रुपए, उसमें यहां पर आज के में मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया, और इन्फ्लेशन की वजह से मार्केट में दूध का प्राइस बढ़ गया, सब्जी का प्राइस बढ़ गया, आप लोग कुछ और सामान घर का आटा लेने जाते हैं उसका प्राइस बढ़ गया, तो ये जो 100 रुपए आप लोगों ने यहां पर बढ़ाए, ये 100 रुपए भी यहां पर उस बढ़े हुए प्राइस की भरपाई नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि पहले 5,000 रुपए में जो खर्चा चल जाता था, अब वही खर्चा जो है वो 5,500 रुपए में चलने लगा है। मतलब कि कहने का ये कि 100 रुपए से काम नहीं चलेगा। आप लोग अगर कोई बोले कि गवर्नमेंट ने 100 रुपए बढ़ा के दे दिए, पर लेकिन रियलिटी में तो 400 रुपए ऑलरेडी यहां पर नुकसान हो चुके हैं। इनके 400 रुपए अगर और बढ़ते तब जाकर भरपाई होती, तो इन्फ्लेशन जो है कई बार आप लोग की जो खुशियां हैं उसमें सेंध लगा देता है। तो ये बातें आप लोग समझ सकते हैं। मतलब क्या हो गया? मतलब सीधा सीधा यहां पर ही हो गया कि आप लोगों की कई बार रुपए की वैल्यू रखे रखे कम हो जाती है जब मार्केट में महंगाई बढ़ जाती है। यानी कि जो 5,000 रुपए से पहले जितना सामान आप लोग खरीद पाते थे, अब उस 5,000 रुपए से उतना सामान आप लोग नहीं खरीद पाओगे, ऐसा आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। तो समझ में आना चाहिए एक एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग स्टेटमेंट जब पढ़ोगे, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग जब यहां पर कोई पेपर लगाते हो, और हाँ जो बातें मैंने आप लोगों से बोली है कि आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा, आज के जो कमेंट है वो बस मुझे दिखेंगे और किसी को नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो आप लोग कहां से क्या क्या फॉलो कर रहे हो सारी चीजें लिख सकते हैं, जो भी आप लोगों ने पुरानी चीजें अपनी कर रखी हैं, ताकि उसके बेस पर मैं आप लोगों की आगे प्रीलिम्स की या फिर आगे जो भी एग्जाम है उनकी तैयारी करा सकूं। तो इसलिए मुझे चाहिए कि आप लोग उसको सजेशन की पोस्ट करें, ठीक है। तो सारे सजेशन मेरे पास में रहेंगे, या आप लोग दोनों वीडियो में से, जैसे एक शाम को 8:30 बजे वीडियो आती है, एक ये वीडियो आती है, इनमें भी चाहते हैं कि कुछ चेंज कराना चाहते हैं, सजेशन दीजिएगा अच्छे से कि हाँ क्या क्या मॉडिफिकेशन आप लोग चाहते हैं। जो अच्छा लगेगा मुझे उसको हम लोग लेकर चलेंगे, ताकि आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को फायदा देखने को मिले। तो ये रिक्वेस्ट है, इसको जरूर इंप्लीमेंट कीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब मैं बात करता हूं, तो यहां पर बात की जा रही है कि उसके द्वारा बोला गया 2001 से लेकर 2019 तक का ग्लोबली अगर बात करें, इंडिया टॉप 10 कंट्री में है जिसने गवर्नमेंट स्पेंडिंग काफी ज्यादा की है एग्रीकल्चर के ऊपर। लगभग शेयर जो है वो 7.3% आप लोगों को देखने को मिलेगा टोटल जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, ठीक है। पर लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत ही अच्छी पोजीशन पर बैठे हैं। अगर बात करें यहां पर, ये है मालावी 18% खर्च कर रहे हैं, माली 12% खर्च कर रहा है, भूटान 12% खर्च कर रहा है, नेपाल 8% खर्च कर रहे हैं, मिडिल इनकम कंट्रीज कई सारी, गयाना 10%, और चाइना हमसे ज्यादा है 9.1%। तो ये बातें बताई गई किसके बारे में, किसके द्वारा? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोगों के साथ साथ में यहां पर कवर हो जाएगी, स्टैटिक पोर्शन है ये, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिए, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। एक रिपोर्ट है जो कि FAO के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, उसको क्या बोलते हैं? ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट। तो याद रखिएगा यहां पर ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसको प्रस्तुत करती है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, यानी कि यूनाइटेड नेशन की, और यहां पर ये बात करती है कि सबको खाना मिलना चाहिए, जिसको लेट देयर बी ए ब्रेड, ठीक है। तो ये यहां पर बातें बोलती है। हेडक्वार्टर रोम में इटली में है, ये बताना है कब ये बनाई गई थी, वो कौन इसके डायरेक्टर जनरल है। फाउंड किया गया था 16 अक्टूबर 1945 में क्यूबिक कनाडा के अंदर में। तो 16 अक्टूबर 1945 ये डेट फॉर्मेशन है इसकी, जो कि आप लोग याद रख सकते हैं, और बाकी ये रिपोर्ट आप लोग याद रखिए। तो इसी के द्वारा यहां पर ये जो रिपोर्ट है ये प्रस्तुत की गई, जिसमें ये बातें बताई गई।
अभी हमारी कंट्री की अगर आप लोग बात करिए, ये जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग जरूर समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन इंडेक्स के बारे में बात की जा रही है। एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन इंडेक्स क्या है यहाँ पर, अगर उसके बारे में आप लोग बात करें यहाँ पर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो गवर्नमेंट है वो कितना खर्च कर रही है एग्रीकल्चर के ऊपर। मान लीजिए गवर्नमेंट कुछ पैसा खर्च कर रही है, पर लेकिन वो जो पैसा तो खर्च कर रही है, यहाँ पर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है बेसिकली एग्रीकल्चर का, यानी कि पैसा तो आप लोग भरमार खर्च कर रहे हो, पर लेकिन क्या जीडीपी में उतना कंट्रीब्यूशन है? आप बोलोगे इसका मतलब क्या है, समझिए थोड़ा सा। आज की डेट में हम लोग अगर बात करें बेसिकली, अगर प्रेजेंट टाइम पर हमारा जो एग्रीकल्चर है वो हमारी जीडीपी में जो एक तरीके से कंट्रीब्यूशन देता है वो लगभग 14-15% के करीब कंट्रीब्यूशन देता है, ठीक है। तो ये अगर बात करें, लगभग 50% पॉपुलेशन जो है वो हमारी आज के डेट में यहां पर एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। जब देश आजाद हुआ 1950s में, उस टाइम पर हमारे देश में एग्रीकल्चर जो है वो काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन देती थी जीडीपी में, पर लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। आज की डेट में यहां पर एग्रीकल्चर सबसे नीचे आ गया, इंडस्ट्री दूसरे नंबर पर आ गई है और सर्विस सेक्टर तीसरे नंबर पर आ गया है। पर लेकिन दिक्कत क्या है यहां पर, अगर तीनों को कंपेयर करें, सर्विस सेक्टर में अगर कोई इंसान काम करना चाहता है तो उसके पास एक प्रॉपर स्किल होनी चाहिए। मान लीजिए मैं आप लोगों को वहां पर पढ़ा रहा हूं, मान के लीजिए पढ़ा रहा हूं ना मतलब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो एक टीचिंग की स्किल है जिसकी वजह से मैं आप लोगों को यहां पर पढ़ा पा रहा हूं, ठीक है। अगर ये स्किल नहीं होती तो मैं आप लोगों को पढ़ा नहीं पाता। मान लीजिए मैं बाल काटने वाला होता, ठीक है, तो अगर आप लोग ये बाल काटता तो मेरे पास में एक स्किल होती कि हाँ मैं बाल काट पा रहा हूं। मैं जूते काटने वाला होता या फिर पॉलिश करने वाला होता तो वहां पर भी मैं एक स्किल के साथ में बैठता कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूं, यानी कि बिना स्किल के मैं वो काम नहीं कर पाता, तो ये सर्विस प्रोवाइड कराने वाली बात है। डॉक्टर बन गया मैं तो आप लोगों के लिए, वकील बन गया तो ये सारी चीजें क्या होगी, तो मैं सर्विस प्रोवाइड करा रहा हूं। उसमें पढ़ा लिखा एक इंसान चाहिएगा जिसके पास में कोई ना कोई स्किल होगी तो वही काम कर पाएगा, और इनकी संख्या हमारे देश में काफी कम है। तो ये माना जाता है कि जॉबलेस ग्रोथ है हमारे देश में। क्यों? क्योंकि ग्रोथ तो जीडीपी में सर्विस सेक्टर से निकल कर आ रहा है, पर सर्विस सेक्टर में लोगों को जॉब नहीं मिल पाती है स्किल की वजह से। जॉब जहां से जो लोगों को जॉब मिलती है वहां से हमारी कंट्री में ग्रोथ नहीं आ पाता है, तो इसलिए बोलते हैं कि जॉबलेस ग्रोथ, यानी कि जॉब नहीं है पर ग्रोथ बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि सर्विस सेक्टर उठा के लेके जा रहा है। तो ये चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। तो जीडीपी में जो यहां पर कंट्रीब्यूशन है वो इतना नहीं है जितना यहां पर एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जिसकी वजह से इशू यहां पर निकल कर आ रहा है। तो यही बात बोली गई कि यहां पर कहीं ना कहीं एक तरीके से खर्च तो कर दिया एग्रीकल्चर पर लेकिन जीडीपी में कितना फायदा देखने को मिल रहा है, तो वो काउंट करना कहता है यहां पर एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन जो इंडेक्स बात करता है। अभी बात करें तो सबसे बड़ा बात यह होती है कि एग्रीकल्चर में खर्च करना ही क्यों है, ये तो बताओ पहले। पैसा इसलिए खर्च करना है क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 17। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में पहला ही गोल यहां पर बात करता है गरीबी मिटाओ, और दूसरा गोल डायरेक्ट बात करता है भुखमरी मिटाओ। तो गरीबी और भुखमरी अगर नहीं मिटेगी तो कैसे इंसान जो है हेल्थ अच्छी रहेगी और कैसे वो पढ़ेगा और कैसे चीजें आगे बढ़ेगी, तो इसी के बारे में डायरेक्ट यहां पर बात की जा रही है। इसके ऊपर फोकस देकर चलने की बात यहां पर की जा रही है डायरेक्ट। तो स्पेंड करना एग्रीकल्चर के ऊपर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर मुद्दा हो जाता है, तो उसके चलते यहां पर जीडीपी में ग्रोथ भी उसका बढ़ना चाहिए, कंट्रीब्यूशन तब मजा आता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तभी तो आप लोग अचीव कर पाओगे, और अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करना है तो ये आंसर राइटिंग में भी आप लोग सारे पॉइंट मेंशन कर सकते हैं यहां से, जैसे कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि गांव में ढांचागत विकास करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर में रिसर्च होना चाहिए, सर्विस वगैरह एक्सपेंशन होनी चाहिए, इसी के साथ में टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए। याद होगा मैंने आप लोगों को जो वीडियो आती है नैनो मैगजीन उसमें डिस्कस किया था कि एग्रीकल्चर में ड्रोन का यूज कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ढंग से हम लोग यूज कर पाते हैं तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कई सारे एरिया में, और इसी के साथ में गरीबी भी हम लोग मिटा पाएंगे, तो हमारी जो गांव की पॉपुलेशन है उसको एक हरी भरी जिंदगी हम लोग दे पाएंगे, ये बातें यहां पर बोलेगी। पर लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, बहुत सारा खाना बर्बाद हो जाता है, प्रॉपर वे में मार्केट तक नहीं पहुंच पाता है, हमारे पास में प्रॉपर एक तरीके सिस्टम नहीं है चीजों को आगे लेकर चलने का, तो ये दिक्कत देखने को मिलेगी। अगर बात करें इंप्रूव करने की बात की जा रही है 2000 से कि हम लोग इसको रिवाइव करेंगे, और यहां पर जो ये इंडेक्स है यहां पर हमको ये बताता है कहीं ना कहीं कि हमारा देश जो है वो लोवेस्ट लेवल पर बैठा है मिडिल इनकम कंट्री में भी। चाइना जो है यहां पर वो काफी शानदार तरीके से आपको देखने को मिलेगा इंडेक्स में यहां पर, जो कि एक अच्छे लेवल पर बैठा हुआ है। हमारी रैंक कितनी यहां पर 38 आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके चलते एग्रीकल्चर में हमारे देश में जमीन तो अच्छी खासी है, पर लेकिन उसमें प्रोडक्शन जितना होना चाहिए वो आप लोगों को इतना देखने को नहीं मिलेगा, और कंजप्शन भी हमारे देश में दुनिया की सबसे लार्जेस्ट यानी कि सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। और वैसे एग्रीरियन इकोनॉमी है हमारी, बोला ना अभी 50% से भी ज्यादा लोग जो है आज के दिन में खेती बाड़ी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये हम लोग को समझना पड़ेगा। चाइना जो है उसके पास में लैंड होल्डिंग काफी कम है, अगर जनता के हिसाब से बात करें यानी कि जितनी उनकी जनता है उनके पास में जमीन काफी कम है, पर लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो काफी ज्यादा है, यानी कि ये बिल्कुल ऐसी है एक बच्चा है वो पढ़ता है 4 घंटे शानदार तरीके से बैठकर और अच्छे खासे मार्क्स लेकर आता है, और एक बैठा हुआ पढ़ता है लगभग 12-14 घंटे डेली और उसके मार्क्स नहीं आ पाते हैं। तो मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि पढ़ने में तरीके में गलत है तो कहीं, या फिर चीजों को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम है, या फिर बेसिक क्लियर नहीं है तभी टाइम लगेगा। अगर बेसिक क्लियर हो तो फिर तो ऊपर से चीजें भाग भाग कर भागेंगी, तो ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। तो इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है हमारी कंट्री और इंडिया की कंट्री, हमारी कंट्री और बेसिकली चाइना में आप लोग को देखने को मिलेगा हमारी कंट्री और इंडिया की कंट्री
कई बार ना सब इधर उधर हो जाते हैं। अगर बात करें यहां पर वीट, राइस, कॉटन और मेज के बारे में आप लोग बात करते हैं तो इंडिया और चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे। पर लेकिन यहां पर अगर बात करें बजटरी एलोकेशन के बारे में, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी कंट्री में अभी जिसको एमएसपी को लेकर बहुत सारे लोग जो है अभी यहां पर गुस्सा भी है और कई सारे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, और यहां पर क्रॉप इंश्योरेंस के सेक्टर में अभी बजटरी एलोकेशन जो है वो काफी कम कर दिया गया है। मतलब क्या है? मतलब यह कि मार्केट इंटरवेंशन जो स्कीम होती है और जो यहां पर इसी के साथ में जो प्राइस सपोर्ट स्कीम होती है जिसको आप लोग एमएसपी बोलते हैं, उसमें 1500 करोड़ रुपए यहां पर दिए गए, जो कि पहले यहां पर कितना दिया जाता था, यहां पर 3959 करोड़ यहां पर जाते थे, यानी कि लगभग यहां पर 4000 करोड़ दिए जाते थे, वो अभी 1500 करोड़ दिए जा रहे हैं। तो 62% यहां पर कम कर दिया गया और उसी एमएसपी को लेकर किसान जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसी का पैसा यहां पर कम किया गया। ठीक है, इसी के साथ में यहां पर दो स्कीम के बारे में बात की जा रही है। प्रधानमंत्री जो बेसिकली अन्नदाता, ठीक है, तो यहां पर संरक्षण अभियान के बारे में बात करें तो पीएम आशा इसको बोला गया। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। इनके तहत यहां पर बोला गया कि सिग्निफिकेंस रिड्यूस कर दिया गया यहां पर इनमें भी, जो कि 1 करोड़ रुपए यहां पर अगेंस्ट जो कि 400 करोड़ रुपए थे पहले यहां पर। हालांकि ये जो है बेसिकली वो इसलिए था क्योंकि अभी यहां पर पेंडेमिक देखने को मिल रहा था तो कम कर दिया, पर लेकिन इतना कम कर दिया ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। इसी के साथ में यहां पर जो एक जो एमएसपी बेस्ड प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन चलता था कंट्री में, जिसमें स्टेट में से पल्सेस यानी कि दालें और ऑयल सीड वगैरह से सरसों के तेल हो गए, दलहन वाले जिसमें से तेल निकाला जाता है, उनको लिए यहां पर 50 करोड़ रुपए दिए गए थे, उसको घटाकर अभी 9 करोड़ रुपए कर दिया गया स्टेट के अंदर में। तो ये बेसिकली कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंपैक्ट आप लोग बोल सकते हो। इसकी कोई बात नहीं है कि कोई ये बोले कैपिटल इंसेंटिव इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? जब कहीं पर पैसा लगा के और ज्यादा पैसा कमाया जा सके। यानी कि आप लोग ना आज की डेट में मानिए कोई आप लोग क्या लेकर आए, आप लोग गुड़ लेकर आए अपने खाने के लिए, पर लेकिन एक तो हो गया खा लिया उसको, चलो ठीक है एंजॉय कर लिया, कहानी खत्म हो गई। अब वही गुड़ आप लोगों ने लाकर बेचना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब आप लोग क्या करें, आप लोगों ने उसको एक तरीके से उसको सामान को लेकर आया, फिर उससे आप लोगों ने पैसा कमाया। हालांकि अगर बात करें जैसे आप लोग कोई मशीन लेकर आते हैं सिलाई, मतलब घर में सिलाई करने वाली मशीन, पर लेकिन रखा उसके लिए लोगों के कपड़े सीने के लिए, तो उससे पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया। तो ये कैपिटल एक तरीके से होता है जिसको कैपिटल बना लेते हैं आप लोग यहां पर, तो उसमें बात करें तो काफी ज्यादा जरूरी है। तो इसमें भी रिडक्शन देखने को मिल रहा है। बात करें जो रूरल डेवलपमेंट में तो 5.59 था यहां पर, ठीक है, तो रिड्यूस कर दिया गया 5.23। ठीक है, तो यानी कि इसमें भी कैपिटल अगर बात करें उसमें भी यहां पर बेसिकली बजट में ये कम खर्चा किया जा रहा है। तो ये भी यहां पर सोचने वाला मुद्दा है। पैसा जा कहां रहा है जब बोल रहे हैं कि यार इंक्रीमेंट तो होता 4-4.5% के करीब, तो ये सोचने वाली बात है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी कि किसानों के खातों में पैसा पहुंचाना, उसी के साथ में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत यहां पर जो स्कीम चलाई जा रही है उसमें पैसा जा रहा है। देखिए किसानों के हाथ में डायरेक्ट पैसा देना एक तो वो बात हो गई, ठीक है, अब वो पैसा एग्रीकल्चर में यूज किया जाएगा कहीं और यूज किया जाएगा उसके बारे में आप लोग डिसाइड नहीं कर सकते। पर लेकिन अगर रियलिटी में अगर आप लोग किसानों की इनकम डबल करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो इरिगेशन पर आप लोगों का फोकस होना चाहिए कि सिंचाई प्रॉपर वे में मिल सके किसानों को, जिसकी वजह से खेती बर्बाद हो जाती है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, अगर बात करें डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवेज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि खेतों में से जो सामान आता है निकलकर वो कई बार मार्केट तक पहुंच नहीं पाता है और बर्बाद हो जाता है, खेतों में भी कई बार पड़ा पड़ा सड़ जाता है, तो उसके ऊपर फोकस देकर चलना चाहिए। तो वो ज्यादा बेटर तरीके से अगर गांव वाले एरिया में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी या कोल्ड स्टोरेज चेन आप लोगों ने बना दी या फिर कोई और ऐसा डेवलपमेंट कर दिया जिससे किसानों को कमाई अच्छी होने लगे, तो वो वाले ज्यादा अच्छे मुद्दे आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिसके ऊपर गवर्नमेंट को ज्यादा काम करना चाहिए। पर लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं है, जो कि सबसे बड़ा इशू यहां पर क्रिएट कर देता है और ये दिक्कत निकल कर आती है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं, ये काफी इंपोर्टेंट मुद्दा है जिसको आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल में मैंने कवर करा दिया आप लोगों को यहां पर जो बातें बताई हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पर याद रखिएगा ये भी लिखने के लिए आ जाता है, उसके ऊपर डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा चुके हैं प्रीलिम्स के अंदर भी, इसलिए इस स्लाइड को भी आप लोग याद रखिएगा। और इसी के साथ में आप लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और यहां पर ये इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोग की कवर हो चुकी है। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। नॉर्मली आप लोगों ने कई बार देखा होगा फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज या फिर डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच में कई बार कंपेयर किया जाता है। जब भी कोई पॉलिटिशियन या कोई भी पर्सन जो है उसके ऊपर कमेंट कर देता है तो ऐसे आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, और ये एक ऐसा एवरग्रीन टाइप का एरिया है यार जो आप लोगों को आगे भी देखने को मिलेगा। तो जीएस पेपर 1 या फिर जीएस पेपर 2 में आप लोगों के क्वेश्चन बन सकते हैं, सोसाइटी या फिर फंडामेंटल राइट्स या अधिकारों के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो काफी इंपोर्टेंट बात यहां पर बोली गई है कि अगर बात करें राइट और ड्यूटी जो है वो मीनिंगफुल है ओनली जब यहां पर कंजक्शन इनके दोनों को साथ में लेकर चला जाए। ऐसा नहीं कि आप लोग बोलो कि जो सिटीजन है उनको ज्यादा ड्यूटी पर फॉलो करना चाहिए, अपने राइट्स पर फॉलो नहीं करना चाहिए। तो आर्टिकल क्यों आया? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बोला गया ड्यूटीज पर ज्यादा फोकस करने के लिए। और ऐसे कई सारे आर्टिकल अभी यहां पर न्यूज़पेपर में आए अलग अलग पॉलिटिशियन के द्वारा बोले गए कि हम लोग फंडामेंटल राइट के नाम पर बार बार कोर्ट में जाते रहते हैं पर लेकिन ड्यूटीज को हम लोग बेसिकली फॉलो नहीं करते हैं।
तो इंडिविजुअल का जो ओब्लिगेशन है मीनिंगफुल तभी है जब उसको राइट मिले, यानी कि जब इंसान को अगर अधिकार मिलेंगे तभी वो अपनी ड्यूटी समझेगा। पहले उसको आप लोग ड्यूटी दे दो और उसको बोलो कि आप लोगों को ड्यूटी फॉलो करनी है, तब आप लोगों को अधिकार मिलेंगे। तो देखिए ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती है। और कहीं ना कहीं ये जो अधिकार आप लोगों को दिए गए हैं फंडामेंटल राइट, इनका बेसिक पर्पज भी यही था कि हमारे संविधान के निर्माताओं के द्वारा, कि अंग्रेजों के द्वारा जो हमारे ऊपर रूल किया गया, हमारी कंट्री के लोगों को जिस तरीके से ट्रीट किया गया, इंसानों को नहीं जानवर बना दिया गया एक तरीके से। आप लोगों ने देखा होगा कई सारे ऐसी पिक्चर्स कि डॉग एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, तो इस तरीके की कंडीशन उनकी देखने को मिली। तो वो सारी चीजें आज की डेट में भी हम लोगों ने झेली है, तो उसके बारे में हम लोगों को बात करनी चाहिए। तो इसीलिए हमारी कंट्री में जो अधिकार है उनके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस दिया गया। तो याद रखिएगा ये तीन इतने इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब भी पॉलिटिका आप लोग एक क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे तो मैक्सिमम आप लोगों यहां पर इन तीन पर बातें होती नजर आएगी। तो हमेशा आप लोग इनको कवर करिए अच्छे से, एग्जाम में के पॉइंट ऑफ से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पोर्शन हो जाता है। मुझे लगता है कि 70-80% क्वेश्चन आप लोगों के इन तीन पोर्शन से आ जाते हैं। पहला है यहाँ पर फंडामेंटल राइट, जो कि पार्ट थर्ड में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। दूसरा यहाँ पर फंडामेंटल जो बेसिकली ड्यूटीज, ठीक है, यहाँ पर ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसमें से कई सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप लोगों को पार्ट 4A में देखने को मिलेगा, ठीक है, आर्टिकल 51A के अंदर यहाँ पर बेसिकली इसको रखा गया है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वह डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन बन जाता है कि कैसे हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट है उसको अपना काम करना चाहिए। तो इन तीनों में कई बार कंपेयर आता है। वैसे ये जो स्लाइड है मैंने इसीलिए प्रोवाइड कराई है ताकि जल्दी जल्दी आप लोग इन सब चीजों का रिविजन कर लो। जैसे अगर राइट्स के बारे में आप लोग बात करते हैं तो राइट टू इक्वलिटी होता है, राइट टू फ्रीडम होता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन होता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर राइट है, और यहां पर है आप लोगों का जो बेसिकली जो नहीं एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आप लोगों के अधिकार का कोई हनन करता है तो भाई साहब कोर्ट में आप लोग जा सकते हैं, कोई भी आप लोगों को नहीं रोकेगा। तो ये सारे आर्टिकल आप लोगों को बेसिकली कई बार इनके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टेट पीसीएस बड़ा फिदा रहता है इन क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है, फिर बोलते हैं क्वेश्चन कहां से बन गए। तो ये हजारों बार मैं आप लोगों को रिपीट करा चुका हूं, ये ऐसी चीजें इसके ऊपर पॉलिटी के अंदर आप लोग जाकर एक बार झांकोगे तो डिटेल में अलग अलग मैंने चैप्टर के इनके ऊपर डिस्कशन कर रखे हैं। तो जहां पर भी कोई डाउट हुआ करे तो सर्च कर लीजिए पॉलिटी बाय वीर लिखकर उसके आगे, तो आप लोगों को चीजें मिल जाएगी। अभी कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को बताता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये बात की जा रही है अगर हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, तो मैंने बताया अभी आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है, पर लेकिन अगर पूछ ले कहां से लिए गए हैं यहां पर ये, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिए गए। दूसरा फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कोई बात करे तो यूएसएसआर हुआ करता था जिससे हम लोगों ने ये लिए हैं, जो कि आर्टिकल 51A के तहत आ गए। और यहां पर जो यहां पर बात करें डीपीएसपी, तो ये आप लोगों को आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने लिए, तो याद रखिएगा आर्टिकल 60 से लेकर आर्टिकल 51। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर ये बनता है कि ओरिजिनली हमारे संविधान के अंदर में फंडामेंटल ड्यूटी थी नहीं, ठीक है, जिस ड्यूटीज पर आज के में गवर्नमेंट या फिर अलग अलग पॉलिटिशियन फोकस कर रहे हैं ये हमारे संविधान में ओरिजिनली थी ही नहीं, तो फिर इसको कब ऐड किया गया, ऐड भी ऐसे टाइम पर किया गया जबकि मौसम सही नहीं था देश के अंदर में 1976 में, यानी कि 1976 में। आप लोगों को पता है 1975 से लेके 77 तक हमारे देश के अंदर में इमरजेंसी, यानी कि आपातकाल की स्थिति बनी हुई थी, उसके बीच में फंडामेंटल ड्यूटीज लोगों के लिए लेकर आना और उसको ऐड कर देना आर्टिकल 51A के तहत में, तो ये था हमारे कंट्री में एक संविधान में संशोधन किया गया जिसको बोलते हैं 42वां संविधान संशोधन। ये इतना बड़ा संविधान संशोधन था, किसने एक छोटा सा संविधान बना दिया, इतने सारे चेंज किए गए, यानी चेंज कर ऐसा लगा था कि नया संविधान बन गया, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल दिया कई सारे लोगों ने। और 1976 में यहां पर ये आया था, इसी टाइम पर हमारी कंट्री में फंडामेंटल ड्यूटीज का ऐड किया गया, जो कि बोला जाता है कि एक गलत टाइम था ड्यूटी को ऐड करने का, कोई सही टाइम पर आराम से डिबेट डिस्कशन करके चीजें होती तो ज्यादा बेटर रहता, पर फिर भी ये कंटिन्यू चल रही है। और आज के डेट में जो पॉलिटिशियन है वो फंडामेंटल ड्यूटीज को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं एज कंपेयर टू फंडामेंटल राइट के, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों उसके बारे में भी आगे बात करूंगा। जो फंडामेंटल राइट है वो एक सुप्रीम ह्यूमन राइट है, क्यों, क्योंकि जब भी कोई यहां पर गवर्नमेंट जो है, जैसे आप लोगों ने देखा नॉर्मली जब अंग्रेज हैं वो गुलाम बनाया करते थे बेसिकली जो इंडियंस को और अपने हिसाब से चलाया करते थे, तो इसलिए फंडामेंटल राइट दिए गए ताकि कल को चलकर कोई गवर्नमेंट ऐसी हरकतें ना करे और जनता जो है वो सबसे ऊपर रहे। इसलिए यहां पर जो स्टार्टिंग में आप लोगों को देखने को मिलेगा वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इस तरीके से बोला गया कि हां पहले सबसे पहले ऊपर रहेंगे देश के लोग, उसके बाद में सारी चीजें आएंगी। फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं यहां पर ये आप लोग तभी इंजॉय कर पाओगे जब यहां पर इंसान को फंडामेंटल राइट मिले, तो फंडामेंटल राइट अगर इंजॉय कराने हैं उसके साथ में फंडामेंटल ड्यूटी रख सकते हैं, पर लेकिन आप लोग बोलने लगे कि फंडामेंटल ड्यूटी ज्यादा ताकतवर है राइट से, तो ये चीजें सही नहीं है, ठीक है। इसी के साथ में जो यहां पर ये डीपीएसपी होता है ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काफी ज्यादा जरूरी है और गवर्नमेंट को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जैसे हमारी फंडामेंटल ड्यूटी होगी तो ये गवर्नमेंट की फंडामेंटल ड्यूटी है डीपीएसपी, जिसमें गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी ऐसी लेकर आनी है कि सोसाइटी का वेलफेयर करके यहां पर चल सके। आर्टिकल 21 जैसे राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं फंडामेंटल राइट, इसी तरीके से यहां पर
कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर फॉलो करना चाहिए हम लोग को, अपने फ्लैग नेशनल एंथम इनका रेस्पेक्ट करना चाहिए। इसी के साथ में यहाँ पर हम लोग को बेसिकली गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि इंसान को रहने लायक और खाने लायक और जॉब करने लायक एक माहौल बनाना चाहिए, तो ये गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यहाँ पर सबको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। आज के दिन में कई सारे ट्रेंड आप लोगों ने देखे होंगे ट्विटर के ऊपर, जब ट्रेंड करते रहते हैं तो उसमें बेसिक मुद्दा रहता है कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि गवर्नमेंट जो है आज के दिन में जॉब के मामले में अगर बात करिए बहुत ही पीछे है, अगर कई सारे मुद्दों पर आप लोग देखते हैं तो इसके चलते कई सारे रिजल्ट ऐसे पेंडिंग पड़े हुए हैं, उसके चलते बच्चे जो है जूझ रहे हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को भी अपनी ड्यूटी समझनी चाहिए, राइटर यहाँ पर ये समझाने की कोशिश करें। समझते हैं डिटेल में और कुछ बातें। देखिए अगर बात करें एक सोसाइटी बनती कैसे है, पहले सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चर, नागरिक सब मिलकर साथ में आते हैं, यानी कि नागरिक किसी के साथ में राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, तब जाकर एक सोसाइटी बनती है। और उस सोसाइटी में लोग जो है वो इंपावर तब होते हैं जब उनको राइट्स मिलते हैं, उनके राइट्स जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो लोगों के राइट्स तो आगे बढ़ नहीं रहे क्यों, क्योंकि आप लोगों ने देखा बहुत सारी चीजों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जैसे कि रिलीजन के नाम पर कई सारे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम पर कई सारे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। तो राइटर ये बोले कि जब आप लोग राइट तो तभी आप लोग प्रोवाइड, पहले राइट तो प्रोवाइड कराओ उसके बाद में ड्यूटीज के बारे में बात करेगा। बहुत सारे राइट जो है वो जनता के हनन हो रहे हैं, और राइट जो होते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेटिक नेशन के अंदर में इंडिविजुअल और ग्रुप के राइट को यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट माना गया और आप लोग उसके ऊपर फोकस ही नहीं देकर चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये एक इंडिविजुअल और कलेक्टिव जो आप लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि राइट और ड्यूटीज जो है वो साथ में चलेगी, ठीक है, एक दूसरे के साथ में मिलकर चलेगी, क्योंकि जिसको अधिकार पता होगा वही तो राइट के बारे में, वही तो ड्यूटी के बारे में बात करेगा। आप लोगों ने स्पाइडरमैन मूवी में एक डायलॉग सुना होगा, द ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है कि जब आप लोगों के पास में पावर है तभी आप लोग रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाओगे, अगर पावर ही नहीं है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसी रहेगी। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एक पर्टिकुलर पर्सन पर एक पोस्ट पर जाकर आप लोग बैठ गए, कल को आप लोग डीएम बन गए, तो आप लोगों की पावर जो है वो आप लोगों के हाथ में आ गई और तभी आप लोग रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाना है, उस टाइम पर बच्चों वाली हरकतें नहीं होती हैं, ठीक है, क्योंकि इंसान को पता है कि इसके हाथ में पावर क्या आ चुकी है। तो इसलिए जरूरी है कि पावर होना तो रेस्पॉन्सिबिलिटी तभी आएगी। और यहां पर पावर क्या है, वो है फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट के अधिकार पहले लोगों को पूरे मिलने चाहिए, उसके बाद में उनसे ड्यूटीज के बारे में बातें करनी चाहिए। पर लेकिन हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा अभी बोला गया कि जो एक तरीके से हम लोग को ज्यादा फोकस ड्यूटी पर करना चाहिए ना कि अधिकारों पर, तो इसके चलते यहाँ पर पूरा हाहुल्ला हुआ है। यानी कि कई सारे ऐसे अभी रिसेंटली नेता है जिनके द्वारा ये बातें बोली गई कि ड्यूटीज को ऊपर रखो एज कम्पेयर टू अधिकार, जो देश को आगे लेकर चलने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा हुआ होता तो हमारे संविधान निर्माता जो थे, जिन्होंने संविधान बनाया, वो ड्यूटीज को फंडामेंटल राइट जो ड्यूटी से पहले रखते हैं यहाँ पर, इवन उन्होंने तो फंडामेंटल ड्यूटी को रखा भी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि बहुत सारी ऐसी ड्यूटीज हैं जो ऑलरेडी सिटीजन फॉलो करते हैं। आप लोग बोलोगे ऐसे क्या यार, कौन सी ड्यूटी सिटीजन फॉलो कर रहे हैं, सोचो एक मिनट के लिए, वीडियो को एक मिनट के लिए यहाँ पर पॉज करो और सोचो कि आप लोगों की क्या क्या ड्यूटीज है, आप लोग देश के अंदर आज के डेट में रहते हो, क्या कोई ड्यूटीज है? जब तक फंडामेंटल ड्यूटीज देश के अंदर नहीं है, अगर फंडामेंटल ड्यूटीज को हटा दे तो भी क्या आप लोगों की कोई ड्यूटी है, सोचो एक मिनट, अभी अगली स्लाइड पर उसके बारे में डिस्कस करूंगा। बात यह किया गया कि यहां पर इक्वलिटी और जो फ्रीडम है वो एक तरीके से फंडामेंटल राइट के अंदर रखा गया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फंडामेंटल रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हाँ, कल्चर और एजुकेशन राइट, और राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इनके जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये सारे हम लोग को अधिकार दिए गए। अधिकार इसीलिए दिए गए क्योंकि पास्ट में इन सब अधिकारों का हनन हुआ है, अंग्रेजों ने किसी को कुछ माने नहीं, राजा रजवाड़ों ने किसी को कुछ माने नहीं, तो अब यहां पर संविधान निर्माताओं को लगा ऐसा नहीं होना चाहिए, जनता को सबसे ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। तो इसी के चलते सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिली, और इसी के चलते राइट रहेंगे एजुकेशन, इन्फॉर्मेशन, प्राइवेसी, ये सारे अधिकार है। राइट टू इन्फॉर्मेशन तक को तो लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही आज के डेट में, कि जब राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात आती है बहुत सारी चीजें उनको प्रोवाइड नहीं कराई जाती है, वो भी दिक्कत में। प्राइवेसी का हनन अभी कोविड-19 के चलते आप लोगों ने देखा, पेगासस वायरस वगैरह, ठीक है, एजुकेशन के अधिकार मिल ही नहीं रहे, एजुकेशन किसी को मिल गई तो लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, प्रॉपर लेवल पर चीजें नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर ड्यूटी बाउंड अगर आप लोग बात की जा रही है यहाँ पर कि एक तरीके से सिटीजन जो है वो जनरली ड्यूटी बाउंड है, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए देश की इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, हम लोग कर तो रहे हैं काम, ऐसा क्या गड़बड़ी कर दी कि हम लोग को ड्यूटी ज्यादा फॉलो करनी चाहिए। बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है तो यहाँ पर यह है कि एक हार्मनी यहाँ पर बनानी चाहिए, एक साइंटिफिक टेम्पर जनरेट करना चाहिए। ये सारी चीजें चल तो रही है, पर लेकिन कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में कौन रहेगा, बैकग्राउंड में गवर्नमेंट रहेगी, जब यहाँ पर चीजों का सपोर्ट करेगी, माहौल बनाएगी, तभी तो चीजें आगे बढ़ेंगी। अगर बात करें लोगों को ये रहता है कि अपनी चीजों के बारे में जाने, पर लेकिन अगर आप लोग उनको प्रॉपर वे में चीजें बताएंगे नहीं, उनको इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए वो उन तक पहुंचाएंगे नहीं, तो कैसे वो यहाँ पर चीजों को लेकर चल पाएंगे, आप लोग खुद देखिए। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि पहले आप लोग वो ये कि इंसान को पहले मोबाइल लाकर तो तभी तो चलाना सीखेगा, आप लोग मोबाइल ही नहीं दे रहे हो और बहुत से लोग यहाँ पर वो मोबाइल चलाने में माहिर बन जाए तो ऐसे कैसे चलेगा भैया। तो ये वाली बातें हो गई। अभी जो इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है कि फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो आगे बढ़ेंगे तभी यहाँ पर चीजें आगे बढ़ेंगी, ऐसे बोला गया। यानी कि स्टेट की जो पॉलिसीज है फिलहाल वो शिफ्ट हो गई है ड्यूटीज पर, जो कि बिल्कुल बेतुका है। यानी कि जब अधिकार होंगे तो ड्यूटीज जो है आगे अपना बढ़ेगी, जब इंसान के पास में अधिकार होंगे
तभी तो आगे चीजें बढ़ेंगी। और ये बोला जा रहा है बार बार कि ड्यूटीज तो ऑलरेडी हैं यार, क्या ड्यूटीज फॉलो नहीं कर रहे हैं? ट्रैफिक रूल हम लोग फॉलो कर रहे हैं, टैक्स अपना टाइम पर भर रहे हैं, तो दुनिया भर की ऐसी ऐसी ड्यूटीज आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी अगर आप लोग काउंट करने चलोगे कि हम लोग ऑलरेडी ओबे कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें ड्यूटीज तो है हमारी, हम लोग ये सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर ये हो गया कि आप लोगों को ज्यादा फोकस अधिकार पर देना चाहिए, ना कि आप लोगों को ड्यूटीज पर देना चाहिए। जब इंसान के पास में अधिकार आएंगे, ड्यूटीज अपना फॉलो करने लगेगा, ये ऐसे समझना चाहिए। यानी कि दोनों को अलग कर नहीं देखना है, दोनों एक साथ में चलेंगे तभी यहां पर चीजें बढ़ेंगी। और ये स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अधिकार के ऊपर फोकस करें। क्यों? क्योंकि अगर अधिकार का हनन हो गया तो इंसान जो है कोर्ट में चला जाएगा। तो इसलिए बोला गया कि अधिकार के ऊपर ज्यादा फोकस ना करो ताकि कोर्ट में भी ना जाना पड़े, और ड्यूटीज पर फोकस करो। तो देखिए दोनों को अलग अलग न देखें, दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तभी चीजें आगे बढ़ेंगी। वरना आज की डेट में काफी सारे ऐसे नॉर्म्स लाए गए जिनमें लेबर मार्केट को बर्बाद किया गया, खासकर लोगों को ऐसे देखा गया कि यहां पर एक तरीके से कोई कमोडिटी है कि उनसे घंटों घंटों काम कराए जा रहे हैं, उनकी सैलरी प्रॉपर में नहीं मिल रही है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो हमारे संविधान के खिलाफ है यहां पर ये, क्योंकि उन्होंने अधिकार इसीलिए रखे थे यहां पर कि आप लोगों को देखेंगे आर्टिकल 23 में क्या है कि फोर्स लेबर वगैरह ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 24 में क्या है, चाइल्ड लेबर जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये ऐसी ऐसी चीजें इसीलिए रखी गई है ताकि हमारे संविधान के निर्माताओं को पता था कि आगे आने वाले टाइम में हो सकता है ऐसी कोई हरकतें देखने को मिले। तो अधिकार पर ज्यादा होना चाहिए, और ये अधिकार पर काम कब होगा, जब आप लोग अपने अधिकारों को जानोगे। तो आप लोगों को भी अपने अधिकार पता होने चाहिए। तो इसलिए बोलता हूं कि एग्जाम में आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सही है, समझ में आता है, पर लेकिन यार एग्जाम पूरी जिंदगी नहीं रहने वाला है। आप लोगों को अपने अधिकार पता होने चाहिए क्योंकि पूरी जिंदगी आप लोग इस देश में रहने वाले हैं। तो फंडामेंटल राइट जो संविधान के निर्माताओं के द्वारा आप लोगों को दिए गए हैं उनके बारे में जरूर पढ़िएगा। इसीलिए मैंने पूरे शानदार तरीके से इनको अलग से लेक्चर सारे डिस्कस किए हैं, बेसिकली फंडामेंटल राइट्स के बारे में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ऊपर जाकर पढ़ाया आप लोगों को। क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि एग्जाम तो बाद में आता है, पहले आप लोग एक सिटीजन है, भारतीय नागरिक है, और आप लोगों को अपने अधिकार पता होने चाहिए, ठीक है। और ये फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज या फिर डीपीएसपी के बारे में मैंने अलग अलग लेक्चर बना रखे हैं, इनको भी आप लोग जाकर देख लेना। ये पूरे लेक्चर का एक थंबनेल है जिसे फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी मैंने आप लोगों को कंपेयर भी करके दिखाया। तो जो भी डाउट हो उसको देख लेना, और क्वेश्चन जो देता हूं डेली लिखने के लिए वो दो क्वेश्चन आप लोग जरूर लिखा करो। और अगर लगता है लेक्चर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो फीडबैक दे सकते हैं। अच्छा लगता है जब आप लोग लेक्चर में फीडबैक देते हैं, लाइक कर बता सकते हैं आप लोग, या फिर कमेंट कर बता सकते हैं। कोशिश क्या करो कि ज्यादा से ज्यादा अपना फीडबैक दो, इससे अच्छा लगता है, एक लेक्चर को भी सपोर्ट मिलती है, और जिस तरीके से लेक्चर जो है वो सही डायरेक्शन में फिर आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप लोग के लिए, बाकी पढ़ाई का काम मैं कर रहा हूं तो उसमें कोई भी कमी आप लोग को देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। डायरेक्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप लोग को देखने को मिल जाती है, तो एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। अगर क्वेश्चन बनता है तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को यहां पर नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या बातें एक एक कर यहां पर समझ लेते हैं, आप लोग जितने अच्छे से सुनोगे उतने अच्छे से चीजों को लंबे समय तक याद भी रख पाओगे। अभी यहां पर पहले नंबर पर दे रखा है बेसिकली हरियाणा के द्वारा कैबिनेट जो है उसके द्वारा क्लियर कर दिया गया एंटी कन्वर्जन बेसिकली बिल, ठीक है। तो यहां पर ऐसा नहीं कि हरियाणा पहला यहां पर राज्य है एंटी कन्वर्जन लॉ यहां पर जो पास कर रहा है, इसमें हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ द अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल की बात की जा रही है, ठीक है। यानी कि मैंने अभी आप लोगों से एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि हमारे संविधान के अंदर पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट रखे गए आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक का। इसके अंदर में अगर आप लोग जाएंगे तो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक का आप लोगों को राइट टू रिलीजन के बारे में बात करते हैं। तो ये जो राइट टू रिलीजन आप लोगों के सामने निकल कर आ रहा है, ये आप लोगों को पावर देता है कि अपने रिलीजन को आप लोग फॉलो कर सकते हैं, आप लोग उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं और अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। पर लेकिन रियलिटी में दिक्कतें देखने को मिलती है जब कन्वर्जन की बात आती है, यानी कि शादी विवाह के नाम पर कन्वर्जन कर लिया तो फोर्सफुल कन्वर्जन को यहां पर रोकता है। तो अभी कई सारे और राज्य ने यहां पर काम किया, तो हरियाणा भी अभी उसी की कतार में यहां पर आकर खड़ा हो गया कि अगर किसी का फोर्सफुल कन्वर्जन किया जा रहा है तो उसको कैसे देखना है। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर बन जाते हैं जिसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, क्योंकि एंटी कन्वर्जन लॉ के ऊपर यहां पर अभी कई सारी बातें निकल कर आई जब गुजरात के अंदर हम लोगों ने बातें की थी, ठीक है। तो गुजरात के अंदर गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट एक्ट लेकर आया गया 2021 का, उसमें बोला यह गया था कि 3 से लेकर 10 साल तक यहां पर जेल भी हो सकती है, उस टाइम पर हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो आर्टिकल 25 का हनन है डायरेक्ट, ये आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। पर लेकिन अगर बात करें, अगर कोई ऐसा कुछ करना चाह रहा है तो मैंने आप लोग कई सारे केस बताए थे, आर्टिकल 25 तो हनन हो ही गया डायरेक्ट, इसी के साथ में कई सारे केसेस में बोलते हैं कि राइट टू मैरिज जो है वो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत। यानी कि अगर कोई शादी करना चाहता है तो उसको फंडामेंटल अधिकार है, उसकी आर्टिकल 21 के तहत अधिकार में आप लोग कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ये यहां पर हम लोगों ने अभी यहां पर कई सारे केसेस देखे थे जिसमें यहां पर ये बातें की गई थी। इलाहाबाद का भी एक केस था जिसे बात करते थे यहां पर, सलामत अंसारी और प्रियंका के साथ का जो केस यहां पर निकल कर आया था, तो उसमें जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट है,
अपनी जो लाइफ है वो अपने हिसाब से एंजॉय कर सकते हैं, आप लोग उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो एंटी कन्वर्जन लो क्या यहां पर इंसान के फंडामेंटल राइट का हनन कर रहे हैं, रिलीजन और ये वाला, तो इसको चेक करना पड़ेगा जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये है, और इसी के साथ में कुछ और बातें हैं याद रखिएगा। हरियाणा में अभी यहां पर रिसेंटली क्या किया गया था कि 75% जो है वो लोकल लोगों के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए जॉब के अंदर में। तो उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 19 का हनन होता, क्यों? क्योंकि प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर आप लोग किसी को इस तरीके से काम नहीं कर सकते और डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते यहां पर जॉब के नाम पर। तो ये कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो लगातार न्यूज में रहते हैं, जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, ठीक है। अभी हमारी कंट्री में देखिए दो तरीके से चीजें इश्यू देखने को मिले। एक तो यहां पर साउथ कोरिया कंपनी है, उसके द्वारा यहां पर पाकिस्तान का जो डे है यहां पर वो सेलिब्रेट किया गया, तो इसके चलते काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया ऑल ओवर वर्ल्ड में उन कंपनीज को, और हमारी कंट्री में इसके लिए काफी प्रोटेस्ट भी देखने को मिला। तो हमारी कंट्री में जो यहां पर बेसिकली स्पोक पर्सन है, यहां पर जो स्पोक पर्सन है हमारी कंट्री में, जिनका नाम है यहां पर अरनिंदम बागची, ठीक है। तो इनके द्वारा बोला गया, बेसिकली ये दिखाया गया कि ये बिल्कुल गलत है, इस तरीके से आप लोग नहीं कर सकते हमारी सोवरेंटी का, इस तरीके से आप लोग हनन नहीं कर सकते, और कश्मीर जो है उसके ऊपर कोई कमेंट इस तरीके पोस्ट करना वो अनएक्सेप्टेबल है। तो ये बातें हैं। कल यहां पर बेसिकली कोई सारे एरिया में इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसके चलते आप लोगों का क्या रिएक्शन यहां पर रहने वाला है आप लोग बता सकते हैं, कौन कौन वोट डालने जा रहे हैं, ठीक है। यहां पर उसी के चलते वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर जो है ये बेसिकली पहुंची हुई है यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर में, लखनऊ के अंदर में, और ये चार की मिलकर काम किया जाए, इनके द्वारा खेल के ऊपर काफी ज्यादा काम चल रहा है यहां पर, ठीक है, जिसको ये खेल को सपोर्ट कर रही है यहां पर, तो उसके चलते भी यहां पर चीजें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यहां पर समझ सकते हैं मिलकर काम किया जा रहा है। बाकी ये पिक्चर मुझे काफी एक इंपॉर्टेंट पिक्चर लगी यहां पर। आज के दिन में अगर एक लड़का काम कर रहा है तो आराम से काम करता है, घर पर भी अगर उसको काम करना है बोल देगा कि रूम बंद है कोई आ मत जाना, पर लेकिन सोचो अगर कोई लड़की वर्क फ्रॉम होम कर रही है तो उसकी क्या कंडीशन यहां पर हो सकती है, बच्चे बैठे हुए ऊपर से काम करना पड़ रहा है, काम बहुत सारा बचा हुआ है, ठीक है। तो मतलब दिक्कत बहुत सारी देखने को मिलती है। तो लड़की चाहे बाहर काम करे चाहे घर में काम करे, उसकी कंडीशन कुछ ऐसी आप लोगों को देखने को मिलेगी, सोसाइटी में काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये आप लोग ही क्या रहे हैं, यस या फिर नो, आप लोग कई सारे ऐसे भी होंगे सिली फैमिली मेंबर जो फिलहाल जिनके बच्चे भी होंगे और घर का काम भी करना होता होगा और अपनी पढ़ाई भी करनी होती होगी, तो वो ये सारी बातें समझ रही होंगी बेसिकली यहां पर ये मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। तो ये काफी मैं कहता हूं कि जो इनको लगता है ना कि बड़ा टफ है जिंदगी और यार काम नहीं कर पा रहे हैं, वो चीजें नहीं हो पा रही है, तो उनके लिए यहां पर ये सजेशन है कि आप लोग कभी भी इस तरीके चीजों को नहीं देखें, ठीक है। एक ये यहां पर है बेसिकली हिजाब के बारे में, कल ही मैंने आर्टिकल डिस्कस किया था डिटेल में, कर्नाटका के अंदर अभी यहां पर हिजाब वाला इशू यहां पर अभी मध्य प्रदेश के अंदर भी निकल कर आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर भी कुछ ऐसा इशू देखने को मिला, हिजाब को बेसिकली यूज करने से मना कर दिया है। तो देखने वाला मुद्दा यहां पर यह कि ये इशू कहां पर जाकर रुकेगा, क्योंकि ये भी राइट टू रिलीजन फंडामेंटल राइट जो है याद रखिएगा 25 से लेकर 28 तक आप लोगों को देखने को मिलते हैं, और ये ऐसे कंठस्थ हो जाने चाहिए आप लोगों, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो कल को चलकर अगर क्वेश्चन बने तो आप लोग ये मत बोलना कि ये क्वेश्चन कहां से आ गया, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं और इसके बारे में आप लोगों को पता भी होना चाहिए, इसीलिए बार बार इनके बारे में आप लोगों को बताता रहता हूं ताकि आप लोग इनको कंफ्यूजन में न लाए बिल्कुल भी, ठीक है। तो बेसिक है, बिल्कुल समझ में रखना इनको, ठीक है। अभी यहां पर एक पर्टिकुलर ये केस निकल कर आ रहा है जिसमें ट्रांसजेंडर दो कम्युनिटी है, दो बेसिकली पर्सन है, ये क्या कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, और इसके चलते याद रखिएगा ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर हमारे देश में बना दिया गया, और ये केस जरूर याद रखिएगा 2014 में केस आया था जो मैंने डिस्कस भी किया था, ये है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, तो यहां पर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था यहां पर, तो इसमें यहां पर ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर बना दिया गया, तो इसके चलते यहां पर इनकी भी राइट टू लाइफ और राइट टू प्राइवेसी होगी आर्टिकल 21 के तहत, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिए कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें। तो ये शादी करने वाले हैं वैलेंटाइन डे के उपलक्ष्य में, और एक बच्चा कहता सर वैलेंटाइन डे और वैलेंटाइन वीक तो आपने सेलिब्रेट किए नहीं, सारे डे जो है जिसके पास में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है अपने मम्मी पापा के साथ में सेलिब्रेट कीजिएगा, उससे बढ़िया सुकून आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। और जिसके पास में है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो अपने रिलेशनशिप में ट्रस्ट रखने की कोशिश करो यार, बाकी तो चीजें चलती रहती हैं, क्योंकि अगर ट्रस्ट ही नहीं होगा और रेस्पेक्ट ही नहीं होगी तो कोई भी चीज आप लोगों की टिकने वाली नहीं है। मैं हमेशा ये मानता हूं ट्रस्ट और रेस्पेक्ट दो ऐसी चीजें जो किसी भी चीज को एक डेस्टिनेशन तक पहुंचा देती है, पर लेकिन सबसे ज्यादा कमी इसी चीज की आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो इससे थोड़ा बच कर रही है। ये आर्टिकल मैंने डिस्कस कर ही लिया तमिलनाडु असेंबली के बारे में, तो रीअडेप्ट कर रहे हैं नेट बिल, जो नेट का जो बिल आया यहां पर, अब देखते हैं गवर्नर के पास में जाएगा तो फिर चीजें आराम से हो जाएंगी, तो ये मुद्दा है पूरा, ठीक है। बाकी यहां पर चेक आगे चल रही है, अगर आप लोग किसी भी इलेक्शन बाउंड एरिया में जाते हैं तो थोड़ा ध्यान से जाइएगा, क्योंकि आज के डेट में कई सारे इश्यूज आप लोग को देखने को मिल सकते हैं। आगे बात करते हैं यहां पर नीतीश कुमार साहब जो है आप लोगों को पता है बिहार जो है वो दारू से एक तरीके से और ड्राई स्टेट की कैटेगरी में आते हैं,
तो वहां पर उन्होंने अभी ड्रोन यूज किए थे कि कौन शराब बेच रहा है उसको पकड़ने के लिए। अभी बोला गया कि यहां पर सेंसस कंडक्ट कराया जाएगा कि किसके द्वारा क्विट किया गया। फायदेमंद अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये पता चला किस किसने दारू छोड़ दिया, क्योंकि काफी ज्यादा दिक्कतें यहां पर देखने को मिलती थी। तो इसी के चलते यहां पर स्टेट के द्वारा प्रोहिबिशन किया गया, तो लाया गया एक बैन करके यहां पर स्टेट प्रोहिबिशन एंड द एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट 2016। तो अगर बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट हो जाता है यहां पर। इसके चलते पॉजिटिव साइड भी यहां पर कहीं ना कहीं लोगों को अप्रिशिएट किया जाएगा इन सब मुद्दों से दूर रहने के लिए। ठीक है, इंपोर्टेंट है यहां पर पैनल के द्वारा क्वेश्चन किया गया बजट जो कोटा दिया गया एमजी नरेगा के लिए। तो यहां पर बजट एलोकेशन में यहां पर बेसिकली अभी जो एमजी नरेगा है तो उसमें यहां पर दिक्कतें देखने को मिली, क्योंकि यहां पर 25% लोअर कर दिया गया जो पहले बजट दिया जाता था, और जबकि सारे राज्य चिल्ला रहे थे यहां पर कि बेसिकली यहां पर बजट नहीं मिल पा रहा है। इसमें होता क्या यहां पर, जो कि यहां पर अगर देखने को मिले तो 60-40 का यहां पर वेज का आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब यहां पर यह कि पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो यहां भी इसके ऊपर भी कई सारी बातें लेकर आ रही है कि जो पैसा यहां पर दिया जाता है उसमें किस तरीके से पैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो नॉर्मली यहां पर बढ़ना चाहिए था, क्योंकि कई सारे राज्यों के साथ मैंने शेयर किया था अभी पैसा कमी चल रही है, उसके बाद ही पैसा घट गया। तो ये सोचने वाला मुद्दा है यहां पर। एमजी नरेगा हमारे देश में काफी इंपोर्टेंट एक कानून था जो कि यहां पर लॉन्च किया गया था काफी इंपोर्टेंट तरीके से, और ये एक तरीके से ब्रेन चाइल्ड है यहां पर पीवी नरसिम्हा राव जी का। ठीक है, तो ग्राम पंचायत को पावर दी गई थी इसको इंप्लीमेंट करने की। तो याद रखिएगा डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत आर्टिकल 41 जो है ये राइट टू वर्क प्रोवाइड कराता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुके हैं, और राइट टू लाइफ जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है जब राइट टू लाइफ विद डिग्निटी इनके जॉब मिलेगी तो लाइफ टू राइट अच्छे तेवर पर चलेगी। तो आर्टिकल 21 भी यहां पर काम करता है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट लेकर आया गया था 2005 में, और फिर आगे चलकर इसमें एमजी यानी कि महात्मा गांधी ऐड कर दिया गया जो कि राइट टू वर्क प्रोवाइड करा रहा है, और यहां पर 100 दिन तक का आप लोगों को जाकर बस रजिस्टर कराना है, उसके बाद में आप लोगों को यहां पर पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर जॉब नहीं मिल रही है तो भी पैसा मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। मैक्रोन जो है वो रशिया के साथ मिलकर काम करें, कैसे रशिया में जो रशिया जो है यूक्रेन को बेसिकली कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उसके चलते यहां पर मैक्रोन जो कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो चाह रहे हैं कि नॉर्मल थोड़ा रिलेशन हो जाए। तो देखने वाला मुद्दा ये होगा कितना यहां पर काम करेंगे। तो मैक्रोन जो है वो सोच रहे हैं कि ईज और टेंशन हो जाए तो अच्छे लेवल पर कुछ बातें चले। चाइना को टैकल करने के लिए यहां पर चिपकी रेस में यहां पर लग गई है यहां पर यूरोपियन यूनियन भी, क्योंकि अभी कोविड-19 के चलते हुए काफी ज्यादा इश्यूज देखने को मिले, तो उसी के चलते यहां पर ये मुद्दा निकलकर आ रहा है, समझ सकते हैं। श्रीलंका जो है यहां पर वो रिलायबल फ्रेंड बोल रहा है, बोलेगा भैया अब तुम्हारी हेल्प जो कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी यहां पर बेसिकली हाथ में कटोरा आ गया, तो इसकी वजह से यहां पर इंडिया ने काफी हेल्प की, तो यहां पर अभी अप्रिशिएट कर रहे हैं। श्रीलंका जो है उसके द्वारा आधार लॉन्च किया जाएगा, जैसे हमारे देश में आधार कार्ड है, श्रीलंका खुद का आधार कार्ड लॉन्च करेगा और इंडिया उसमें सपोर्ट करने वाला है काफी लार्ज स्केल पर डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क में। यूएसए जो है वो अप्रूव कर रहा है ताइवान के लिए मिसाइल अपग्रेडेशन, तो यहां पर ताइवान के मुद्दे को आप लोग समझ रहे हैं, चाइना इतना इशू करता है, अब ये और बड़ा इशू देखने को मिलेगा, और ज्यादा रस्साकसी यहां पर निकलकर आने वाली है आने वाले टाइम में, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, 13 मिलियन जो है वो सीवियर हंगर फेस कर रहे हैं अफ्रीका के अंदर, तो ये यूएन बोल रहा है। तो ये दिक्कतें देखने को मिल सकती है जिसमें सोमालिया, यूथोपिया, कीनिया ये देश निकल कर आते हैं, तो इसको सपोर्ट प्रोवाइड कराना काफी ज्यादा जरूरी है। और 5G का एलोकेशन जो है वो ट्राई के द्वारा यहां पर स्टार्ट कर दिया गया है। ट्राई जो है इसको बोलते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक स्टैट्यूटरी बॉडी हमारे देश में जो कि इस मुद्दे को समझती है। याद रखिएगा यहां पर बेसिकली जो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है टेलीकॉम जो है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो यहां पर बात करेगा तो ये जो ऑथोरिटी है 1997 में यहां पर जो टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया नाम से यहां पर ये एक एक्ट लाया गया था, तो उसके सेक्शन 3 के बेस पर यहां पर इसको बनाया गया था। ठीक है, तो ट्राई जो है यहां पर ये काफी इंपोर्टेंट काम करती है, कोई भी डिस्प्यूट भी अगर होता है तो उसको भी यहां पर देखती है अगर बात करें, और वैसे यहां पर टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपेलेट ट्रिब्यूनल भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें इसके बारे में। इसके आज के डेट में चेयरपर्सन कौन है, वो है राम सेवक शर्मा, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी 5G आएगा तो आप लोग काफी एंजॉय इसको कर सकते हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को बताइए। ये सुडोकू कुछ जिसको आप लोग अटेम्प्ट करने, अच्छे से इसको एंजॉय कीजिएगा, कोई भी कंफ्यूजन आप लोग के माइंड में नहीं होना चाहिए, और माइंड को स्टेबल कीजिएगा अच्छे से अटेम्प्ट करके, ताकि लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद रख पाओ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आप लोगों से ये मैंने पूछे थे करतारपुर कॉरिडोर के बारे में, पहला क्वेश्चन पूछा था, काफी ज्यादा न्यूज में था, आसान सा क्वेश्चन था, सबने आंसर दिया काफी अच्छे से, अच्छा लगा मुझे। तो यहां पर बात की जा रही है रवि रिवर के बारे में, झेलम रिवर के बारे में, सतलज रिवर के बारे में, फिर चेनम के बारे में। तो ये पिक्चर मैं आप लोगों को हजारों बार दिखा चुका हूं, तो आसानी से आप लोगों को अब याद हो गई होगी। रवि रिवर जो है यहां पर याद रखिएगा, जो करतारपुर कॉरिडोर है वो इस रिवर के ऊपर बनाया गया है। तो एक साइड में करतारपुर और दूसरी साइड में यहां पर डेरा बाबा नानक, इन दोनों को कनेक्ट कर यहां पर बेसिकली जो सिखिज्म है, इनके सिख कम्युनिटी है, उनके लिए एक दूसरे के लिए द्वार खोले यहां पर, ताकि आराम से विजिट कर सके। तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अच्छे रिलेशन को डेवलप करने का एक सही तरीका आप लोग यहां पर ये बोल सकते हैं, तो काफी इंपोर्टेंट था, इसके बारे में आप लोगों को बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था विंटर ओलंपिक के बारे में, तो विंटर ओलंपिक जो है यहां पर रिसेंटली अभी आप लोगों को चाइना में देखने को मिल रहे हैं, तो उसके बारे में दो स्टेटमेंट मैंने दी थी। पहली स्टेटमेंट बोला गया था कि फर्स्ट विंटर ओलंपिक जो है वो 1924 में इंग्लैंड में देखने को मिला था,
इंडिया के द्वारा यहां पर पार्टिसिपेट किया गया विंटर ओलंपिक में सिंस 1964 यानी कि 1966 से, तो सही स्टेटमेंट कौन सी है? देखिए क्वेश्चन का आंसर दे दिया कीजिए, उसके बाद में आंसर दिखा कीजिए। ए में बोला गया वन, बी बोला गया टू, सी बोला गया बोथ, और डी बोला गया नन ऑफ द बो। सही आंसर क्या है तो देख लेते हैं। सही आंसर यहां पर इसका बी, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर गलत है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, यानी कि 1964 से इंडिया के द्वारा ज्वाइन किया गया, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। पर लेकिन यहां पर जो ओलंपिक है अगर उसके बारे में आप लोग बात करेंगे तो यहां पर ये 1924 नहीं है, यहां पर ये है 1908, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आप लोग यहां पर याद रखिएगा, जो कि क्वेश्चन भी बन सकता है, क्योंकि खेले तो गए थे 1908 में, पर लेकिन 1924 में इनको सेपरेट इवेंट की तरीके से देखना स्टार्ट कर दिया गया था, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। और अब की बार जो यहां पर हो रहे हैं ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे बीजिंग में, ये अब की बार गेम हो रहे हैं, ठीक है। ये बीजिंग में जो एडिशन हो रहा है कौन से नंबर का एडिशन है ये आप लोग को बताना है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था यहां पर, ये है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के बारे में, तो कौन सी स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है? तो यहां पर ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, यहां पर लंबी स्टेटमेंट है तो इसलिए यहां पर बता देता हूं दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो आंसर इसका यहां पर सी है, ठीक है। तो आंसर आप लोग यहां पर देखते हैं, तो 35 कंट्री है यहां पर, बेसिकली इनका काम क्या रहता है कि मिसाइल की जो टेक्नोलॉजी है उसके नाम पर आप लोगों ने देखा कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, यानी कि टेक्नोलॉजी जो है उसको कंट्रोल करना है, एक ऐसा रिजीम क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है जिससे कि टेक्नोलॉजी जो है वो गलत हाथों में न पड़े मिसाइल की, तो उसके चलते यहां पर इसको कंट्रोल करने की बात की जा रही है और सारे मेंबर मिलजुल कर यहां पर काम करते हैं। इंडिया इसका पार्ट बन चुका है, इसीलिए जो ब्रह्मोस मिसाइल है जो कि इंडिया और रशिया के बीच में दोनों के द्वारा मिलकर वो मिसाइल बनाई जा रही है, उसको यहां पर इसके तहत उसकी रेंज अब बढ़ाई जाएगी, जो कि हम लोगों ने अभी किस कंट्री को बेचने की बात की है, फिलीपीन को। तो याद रखिएगा यहां पर जो यहां पर फिलीपींस है उसको हम लोग यहां पर ये मिसाइल बेच रहे हैं, तो यहां पर अगर फिलीपींस को हम लोग ये मिसाइल भेज देते हैं तो इससे हमारी कंट्री का आने वाले टाइम में और भी अच्छा दबदबा देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर फील्ड में, ओके। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में याद रखिएगा। आज के जो इंपॉर्टेंट वर्ड है ये आप लोग अपनी वोकैबुलरी में ऐड कर सकते हैं, और कई सारे बच्चे जो है अच्छे से इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं, काफी अच्छा लगता है। आप लोग भी कोशिश किया करो सेंटेंस फॉर्म करने की, डरना नहीं है किसी से, ठीक है, क्योंकि हर एक जो है वो यहां पर सीख ही रहा है, सब सीखने वाले हैं, इवन मैं भी आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते सीख ही रहा हूं, तो सीखते सीखते आगे बढ़ेंगे। टर्न अराउंड के बारे में बात की जा रही है, मुड़ो, यानी कि एक तरीके से चीजों को नहीं, एक तरीके से जाना, कहीं से वापस आना, मुड़ जाना, तो कुछ भी अगर ऐसी चीज देखने को मिले तो उसको बेसिकली टर्न अराउंड, ठीक है। एक है यहां पर बिडर, इनके बोली लगाना, बिडर एक तरीके से बिड लगाना, बोली लगाना, तो कहीं पर भी एक तरीके से फॉर्मल ऑफरिंग करना समथिंग, स्पेशली ऑक्शन, जब कहीं पर ऑक्शन किया जाता है कि कोई चीजें सामान बेचे जा रहे हैं तो वाली चीजें। रिटेन, रिटेंशन पावर, आप लोगों ने सुना होगा कि इस इंसान की रिटेंशन पावर काफी अच्छी है, तो रिटेन करना, यानी कि एक तरीके से किसी चीज को एक मतलब बनाए रखना, ठीक है। जैसे कि आप लोग मॉर्निंग में उठ जाते हैं तो मॉर्निंग में आप लोग अपनी एक तरीके से चीजों को मेंटेन किए हुए, रिटेन किए हुए, डेली मॉर्निंग में उठने का काम आप लोग, तो काफी अच्छा लगता है इस तरीके से रेगुलरली जो आप लोग यहां पर उठते हो, ठीक है। इसी के साथ में एक बात की जा रही है एक्वाइजेशन के बारे में, तो इसका मतलब अधिग्रहण करना, आप लोगों ने मान लीजिए कल को चलकर कोई जमीन ले ली, कोई घर ले लिया, ठीक है, तो चीजों को इस तरीके से नहीं कि हाँ एक तरीके से हम लोगों ने ये चीजें ले ली है, तो या फिर कोई आप लोग स्किल जो है वो बेसिकली एक्वायर करते हैं, ठीक है, तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि स्किल हम लोगों ने ले ली है एक तरीके से, तो उसमें भी आप लोगों ने नई हैबिट कोई सीख ली, ठीक है। सिनर्जी का मतलब है सहयोग करना, यानी कि मिलकर काम करना, किसी के साथ में कोऑपरेट करना, तो यहां पर आप लोगों को सिनर्जी देखने को मिलेगी। तो ये पांच शब्द है जो अपनी डिक्शनरी में आज आप लोग ऐड कर सकते हैं और इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करने की कोशिश जरूर कीजिएगा ताकि आप लोग इनको लंबे समय तक याद रख सको, और फीडबैक जरूर दिया करो कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है। अच्छा लगता है जब आप लोग फीडबैक देते हो, और अब तो लाइक बटन दबाने में मजा आने लगा होगा आप लोगों का, क्योंकि उसमें रंगीन कलर निकल कर आते हैं, ठीक है। बाकी पीडीएफ जो है सारी आप लोगों को इकट्ठी मिल जाएगी, और हाँ मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ भी मैंने प्रोवाइड करा दी है, उसको भी आप लोग देख लेना। और कल एक वीडियो भी मैंने अपलोड की थी यहाँ पर जो कि काफी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से, उसमें कई सारी बातें मैंने डिस्कस की है बेसिकली, तो उनको आप लोग देख सकते हैं। कई सारे बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है मुझे पता है, पर लेकिन नोटिफिकेशन भी नहीं मिलने का रीजन वही है कि वीडियो को जो लाइक करता है ना तो यूट्यूब उसको बताता है कि इसको वीडियो पसंद आ रही है, तो उसी को नोटिफिकेशन दे रहा है। पूछ लेना आप लोग बच्चों से जो रेगुलर लाइक कर रहे हैं उनको नोटिफिकेशन जा रहा है, क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से यूट्यूब जो है उसको देखता है कि आप किसको क्या क्या चीजें पसंद आ रही है, उसी को उसी की चीजें का नोटिफिकेशन देता है, वो सबको सारी चीजों का नोटिफिकेशन थोड़ी ना देगा। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी आप लोग याद रख सकते हैं। तो अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए, एक तरीके से अपना ध्यान रखते हुए आसपास सफाई रखते हुए जो पेड़ पानी और पेड़ पौधों को भी सेवा आप लोग कर सकते हैं, जीव जंतु जानवरों उनके भी आप लोग थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। इसी के साथ में नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।